मेरे पापा है। तो मेरे पापा ही अकेले बाहर खड़े थे और तो मेरे पापा रुकने लग रहे थे कि हमारे घर में ना हो, हमें छोड़ दो और आप इधर जाओ। तो एक इनके सर पे को गोली गई, जो मेरे पापा सर में ना करते तो सर पे गोली लगती और जो मेरे पापा ने नू कर लिया तो इनका सर बच गया। अगर कहीं पटाखा छूट जाता था ना, ये भी ये कहता कि अब गाना कि गोली फिर चालू होगी। उस दिन कितनी गोलियां चली थी? गोली बतेरी चली उस दिन। चला चला जैसे भाई ये हमारे घर के पास हमारे किवाड़ तोड़ तोड़ के हमारे घर में बढ़ने लग गए थे बंदूक और गोलियां लेकर। और तो मेरी चाची का गोली लगी यहाँ पे। ऊपर कौन है उधर सारे? ये गोली जो आए थे गोली मारने के लिए हमारे आस पड़ोस में रहते थे वे थे। और ये लोग कौन है इधर? ये मैं थी जो पानी भरी थी, मैं अपने भाई को लेकर तुरंत उठ कर भाग गई। अभी तक हमारे देश के अंदर जो भी सरकार शासन कर रही थी, अभी तक हर आदमी को बरगलाया जा रहा था, हिंदू समाज को बरगलाया जा रहा था। In the midst of these dense sugarcane fields lie Muzaffarnagar and Shamli districts of western Uttar Pradesh. The silence that surrounds these fields have many stories to tell. Stories of militant peasant movements led by the Bharatiya Kisan Union. Movements whose success hinged on the unity of Hindu and Muslim peasants. So integral was this unity that Muzaffarnagar was also called Mohabbat Nagar, or the land of love. Also inherent to these districts are stories about crimes in the name of honor. Stories of caste oppression, but also those of resilient struggles against it. However, on the 7th and 8th of September 2013, Muzaffarnagar and Shamli districts witnessed their worst ever sectarian violence since independence. According to independent reports, around 100 people were killed and over 80,000 people were displaced. Over 90% of the victims belonged to the Muslim community. Significantly, the violence occurred predominantly in the rural areas. Why and how did Mohabbat Nagar undergo such a transformation? मेरा हेडली है,
बामंदरी सारे किवाड़ तोड़ दिए, पलंग तोड़ दिए, सब कड़ी का सब जला दिया, सब कुछ निकाल दिया। अम्मा कहाँ से हो, कौन से गांव? लिसार से। बाजार के पास हमारा मकान है, घर में कुछ ना छोड़ा, पलंग ना छोड़ा, पीड़ा ना छोड़ा, किवाड़ ना छोड़े, मेरे किवाड़ शादी करनी थी, जेवर धरा था, दो लड़की जवान और इज्जत के साथ में न उठाकर सब ले गए, खाली छोड़ दिया। आज हम बर्बाद हुए फिर रे, क्या पूछो हमें, हमारा सब कुछ निकल गया। रात के समय में आया जी, मैं दुकान पे गया था जी लड़के को लेके चीज, और वहाँ से जब आया तो मुझे हौला मचाई दी वहाँ पे, कहने लगे ऐसे मारकाट हो रही, तुम इधर से उधर भग लो, घर का घेर होगा, कोई नहीं है वहाँ पे। मेरे बीवी बच्चे थे, दो बच्चे और थे, एक लड़की एक लड़का, वे दोनों लापता है, मेरी बीवी लापता है, ये लड़का मिल गया था मुझे, मैं इसे लेकर आ गया, फिर वहाँ से निकला। जब मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, रिश्तेदारी में बातचीत करी मैंने, अपनी घरवाली का पता लगा, वहाँ तक कुछ नहीं मिला जी। आप क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे रिक्शा चलाता था जी। हमारे सामने ही तवल भाले पना रहे थे, बोले ये मुसलमानों के लिए पन रहे हैं, इनकी बहू बेटियों को उठाना है और इन्हें ख़त्म करना है, सबको इनके घर घर पे सब पर कब्जा करना है। फिर शाम के 9 बजे से बहुत सारे आदमी आए, गलियों में को बोलने लगे कि एक एक को सबको काट डालो, किसी को मत छोड़ना, इनकी बहू बेटियों को उठा लो सबको। रातों रात खेतों के चले गए हम, फिर हम दूसरे गाँव जाकर बस पकड़ी हमने, जब हम यहाँ आए फिर हम यहाँ आकर एक आदमी ने अपना मकान दिया और रोटी लत्ता दिया। अम्मी, चाचा, दादा, तीनों लोगों को काट दिया और जला दिया। उस वाले जो कोठे थे हमारे, उनमें से उनकी लाश पाई गई, उस वाले कोठों में से। ये जी 8 तारीख की बात है, एक लाश 9 तारीख में मिली। 12 बजे तक हमारी बात चली जी उनसे, हमने उनसे कहा भी कि भाई अब नहीं आने दे रहे हैं धोखे से हमारे, कि हम थारे साथ हैं, हम थारे साथ हैं। जट्टू ने गिंडासो था, पलकटी था, गोली था, जिस भी उनका दिल करा, जैसे भी ऐसी मौत दी उन्होंने। मतलब लिसार से कौन कौन? सास है, जेठ है, एक घोड़ा है। कब? 8 तारीख को। 8 तारीख को आपके सामने ही हुआ था? आपके सामने बस जी, भागते ने वो करया, कुछ देखते रहे, कुछ भागते रहे, नोया जी घोड़े के पेट में छुरा दे कर नू रोल दिया। जेठ कहती इतने कतले करे जी, सास के आगे जी थी मैं आग लगाई सास में मेरे जेठ को सासू के ऊपर घेर कर जी थी मैं आग लगा दी। सारे कार्य हम हिंदुओं के करते हैं, जाटों की, तो हमारे पास उनसे कभी कोई नफरत नहीं हुई। 1947 और 30 अक्टूबर जो बाबरी मस्जिद का केस हुआ, उसमें हमारे गांव में इतना सुकून बना, उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। मगर अब की बार उन्होंने एक मिशन बनाया है, मिशन के तहत ये काम हुआ। हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा कि उन्होंने हमारे ऊपर ये जुल्म किया क्यों। हमने यू भी कहा एक दो को, पर गलती की है निजाड़ के मुसलमानों की,
तो बस इन्होंने कुछ नहीं पूछा, आग लगाना तो मकान देखो आप झाड़ के अंदर जाकर देखो, ये को नहीं पता ये गांव कब बसा होगा। इसमें तो सरकार का याद है, हमारे को तो यही नहीं पता ये सपा का राज है या कांग्रेस या भाजपा, सब अपनी रोटी सेकने के पीछे लग रहे हैं। राम मोदी, हमारे को सबसे बड़ा मोदी पे यकीन है कि उन्होंने दंगा कराया, मैं खुल के बोलता हूँ, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में मोदी का कभी भी साम्राज्य नहीं आया, ना उन्होंने कोई पार्टी की ना कोई रैली की, उत्तर प्रदेश में पहली बार ही उन्होंने एंट्री मारी है, और जब से ये एंट्री मारी है जब इसे हमारे यूपी में उथल पुथल मच गई। सभी गांववासियों को सूचित किया जाता है कि चंदी कलों में आपके विधायक सदी सौर और बालियान जी जो आपके प्रत्याशी हैं लोकसभा से नाली से चल चुके हैं और बहुत ही नाम नहीं किसी ने ना भारत माता की जय बोलनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि खेदा में बोली, समझ गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंचा सिंह हमारे प्रत्याशी भाई डॉक्टर संजीव बालियानी और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, भैया ये कैमरे वाले कौन से पेपर से हैं? हम लोग न्यू से हैं जी। भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उधर बैठो, चाय पी लो, मैं अभी आ रहा हूँ। चलिए ले जाओ, ले जाओ, ले जाइए जसवंत भैया, बैठ जाओ, आप चाय पियो, इनके ले जाओ। ये जो है मेहरदीन का घर है, मेहरदीन जो है राजमिस्त्री है और हमारा जो घेर बनाया था वो मेहरदीन ने ही बनाया था। अच्छा। हाँ, और सन 1984 में जो हमारे घर के नीचे के चार कमरे थे वे भी मेहरदीन ने ही बनाए थे। मेहरदीन जो है कभी से भी गांव का बहुत अच्छे मिस्त्रियों में गिनती नहीं रही। अच्छा। गांव का सबसे सस्ता मिस्त्री था। अच्छा। हाँ, ये इधर ये रास्ता जो है मस्जिद पर जा रहा, यहाँ मुख्यतः अली शेर का परिवार है। अच्छा। अली शेर है, बशीर मास्टर है और राजू दूधिया है, इन सब लोगों के परिवार हैं। राजू भी मुस्लिम ही था? राजू मुस्लिम है। अच्छा। और यहीं मस्जिद थी जिसमें मैं और मेरी बहन हम जो है बृहस्पतिवार के जुमेरात की रात में हम चार अन्नदान करने के लिए जाते थे। अच्छा। हाँ, और राजू मेरे साथ पढ़ा था और यहाँ जो है इसी मस्जिद में हम गिंदू टोरा क्रिकेट को बोलते थे पहले। हाँ। हम लोग गिंदू टोरा खेलते थे। अच्छा। और बशीर मास्टर जी जो है अक्सर हमें धमकाते रहे थे, और बच्चों की और बशीर मास्टर की जैसे मतलब जन्म जन्म की दुश्मनी थी। वो जो है बच्चों का खेलना कूदना कभी पसंद नहीं करते थे और अक्सर बच्चों के साथ डांट फटकार करते थे, पढ़ने के लिए कहते थे, तो हम वो सबसे खराब लगते थे। इधर जो है आपके उल्टे हाथ की तरह ये सराजू का, इलियास का, सत्तार का, उसके पीछे गफ्फार का, ये इन सब लोगों के मकान हैं।
और इनमें से जो है सत्तार और गफ्फार किसान हैं। सत्तार गफ्फार दोनों सगे भाई थे, हम तीनों जो है एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे। और सत्तार का हमारा खेत बिल्कुल एकदम पास पास है और हमारा उसका जो है बिल्कुल ईद का दिवाली का इन सब चीज़ों का आना जाना खाना पीना इस सब चीज़ का रिश्ता रहा। अच्छा, गफ्फार जो था वो मुझे जब भी मैं दिल्ली से आता था अपनी ड्यूटी करके तो गफ्फार मुझे लेने के लिए जाग रहा था। उसकी कार थी उसके पास एक छोटी सी पुरानी मारुति 800 और जब मेरे साथ परिवार नहीं होता तो वो मुझे जो है बाइक से लेकर आता था। अच्छा, सत्तार ये जो घर देख रहे हैं आप इसका निचला हिस्सा जो है जहूर का बनाया है, जहूर और शहीद का, और इसका ऊपरला हिस्सा जो है वो सत्तार का बनाया है जिस पर लिसाई का काम जो है वो भी सत्तार ने करा। अच्छा, और जो डिजाइनिंग आप देख रहे हैं ये भी सत्तार की निकाली हुई है। वो सत्तार भी जो था एक ठीक ठाक कारीगर था राजमिस्त्री के मामले में, उसकी ठीक ठाक स्थिति थी और वो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था क्योंकि वो दूसरे मिस्त्रियों के साथ दूसरे मिस्त्रियों की तरह वो जो है तत्काल पैसे नहीं मांगता था, उसके साथ लोग किसानों का उधार चल जाता। अच्छा, हाँ, जहूर और शहीद जैसे जो मिस्त्री थे उनके पास ज़मीनें बहुत कम थी, सत्तार के पास ज़मीन ज़्यादा थी तो उसका जो है गुजारे का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसकी ज़मीन से आ जा रहा था, वो खेती करता था। और मेरा और उसका खेत जो है बिल्कुल एकदम पास पास है और दंगे से जो है एक या दो दिन पहले रात में वो और मेरा पिताजी दोनों साथ साथ ट्यूबवेल पर थे, पानी लगाने के लिए गए थे और दो दिन बाद में जो है दुश्मन हो गए। अच्छा, माँ गेट खोल दिए। प्रवीण, तुम्हें लग रहा है अब सत्तार हो, गफ्फार हो, राजू हो, ये सारे जो मुसलमान हैं, मेहरदीन हैं, यहाँ ये कभी वापस आ पाएंगे गाँव? मेरी तो पूरी पूरी कोशिश है कि ये जो है बहुत जल्दी वापस आ जाए, पर अगर हालात यही रहे तो नहीं आ पाऊंगे। अगर हालात हमने बदलने की कोशिश करी तो जरूर आऊंगा। कहाँ से हैं भाई साहब आप? कागड़ा से। तो क्या सामान ले आए अपना सारा? तो कहाँ लेकर जा रहे हो सामान? सामान शहर जाएगा। शहर का? मुजफ्फरनगर। जब आप अभी गए थे तो गांव वाले वगैरह क्या कह रहे थे आपको? किसी ने कुछ कहा ही नहीं, भाई रहो तुम यहाँ ना रहो। हाँ, किसी ने कोई रोकने कुछ नहीं, रोकने को इसके जब आदमियों के बिचारे बदले हैं। भेजने लगे हैं सरकार की तरफ से? अभी तो नहीं आया, बस कल कंबल आया था, एक कंबल आया था कल। ये मुख्य आदमी को दे रखा है, इतनी सर्दी में ये कुछ भी नहीं करेगा। हां, वो तो डबल दिखा रखा था ना, ऐसा ऐसा रखा था। तो ये पूरे परिवार के लिए एक एक टेंट का एक ही विदेश है, एक झोपड़ी का एक टेंट, छह आदमी उसमें, पांच है, छह दस है, छह। लिसाड़ में जब हुए दंगे, लिसाड़, लांक और बाकी जगह जो हुए हैं, यहाँ दंगे हुए हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ पे वो कुछ नहीं, यहाँ पे आगजनी हुई, वो भी जब वहाँ से उधर से ट्रॉली आई 50 ट्रॉली, तो वे लोग थे कुछ उनके उसमें जो जा रहे थे कि सरकार ने कर दिया था कि यहाँ पे तो इनको मुआवजा मिलेगा, ये मिलेगा, तो कुछ लोग जो खड्डी वाले थे वे सब अपने यहाँ पे आग लगा कर जा रहे। अब भी एक दो आता है, हम पकड़ लेते हैं उसको, वो अपने मकान में आग दे देता है। या मरी कितने लोग? नहीं, हमारे गांव में कोई नहीं, एक भी नहीं मिला।
हमारे गांव में एक भी आदमी नहीं मरा, ये 7 तारीख में यहाँ से निकल गए थे। कभी हिंदू मुसलमान के फसाद शामली शहर में हो गए, कभी आप मुजफ्फरनगर शहर में हो गए, गांव-गांव तक तो कभी नहीं पहुंचे थे यहाँ। ये क्या माहौल बना है कि अचानक इतने सालों में पहली बार हिंदू मुसलमान के बीच में ऐसे झगड़े खड़े हो गए? ये सब कुछ प्रशासन की कमी है ना, प्रशासन से मतलब सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और यही वजह है कि इस सरकार से ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। आतो, आतो, ये मस्जिद है अंदर? ये मस्जिद है बड़ी। अच्छा, इधर आग लग गई है तो फेक है। अब आवाज बोल के रखा है आपने। मस्जिद में जो भी नुकसान है भाई सब भरपाई करेंगे इसकी, मैं लोग नहीं मानने के, नहीं हम तो जाएंगे नहीं। वो तो बात ठीक है, जैसे जैसे यहाँ से गए तब मस्जिद में नुकसान दिखा, क्या ये पता कि किसने क्या बात हुई? ये तो पता नहीं जी किसने किया, तो बाहर से हड़दंग था, हम तो उधर है। ये सब कौन तोड़ है? क्या बता सके, खुद भी तोड़ सके, जब मान ले यहाँ से जा ली तो नुकसान तो दिखा जाए। तो अभी आप लोग को कुछ राहत वगैरह मिला है सरकार से? अभी कुछ नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं, तो मदद नहीं आई वहाँ से। मिला नहीं? आप यूनिक के परिवार से? बच्चे हमारे लिसाड़ से हैं। आपका नाम? ये सब बच्चे हैं हमारे। क्या करते हो खाली? कुछ नहीं, अभी पहले क्या करते थे? दुकान थी हमारी, क्या की सब्जी की, फल की, बड़ी काफ़ी दुकान थी। लिसाड़ के अंदर दो ही दुकान थी और कोई नहीं है वहाँ पर। वो जला दी? बिल्कुल नष्ट है, कुछ भी नहीं, 50 ग्राम का बाट भी नहीं बचा। ये है जो उन लोगों ने हल किया है वहाँ पर आग लगाने के बाद में, ये माल बचा है। ये मोटरसाइकिल, ये प्लाटिना 2010 मॉडल 2010 है, और ये स्कूटर है, और ये राजदूत है जो कि हम अपना काम करते थे वहाँ पर। ये हमारा रिक्शा है, रेडा रिक्शा, जिसमें हम अपना सामान लेके जाते थे। तो उन लोगों ने सब फूंक दिया है, सब जला दिया। ये देखो, ये कोई 2000 रुपये की भी नहीं लेगा, न्यू मॉडल 2010। मतलब महल को छोड़ करके 52 दरी मकान है हमारा, बहुत अच्छा मकान है। और यहाँ वहाँ से आकर के हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ 3 बच्चे हैं मेरे, एक बीबी और मैं, 5 आदमी हैं। मम्मी पापा उधर रहते हैं, लेकिन ये मेरे चाचा की का है झोपड़ी यहाँ पर, ये उनकी है। इनका भी मतलब काफ़ी बड़ा मकान है, काफ़ी मकान है। हमारे मकान ही मकान में आप घूम जाओगे, इतना मुझे पक्का है। लेकिन आप यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर रह रहे हैं, ये पूछ डाला है इसने 2-3 रोज से, जिसे ठंड लगती थी यहाँ पर। पूरे गांव के काम आता था, किसी चीज़ की भी ज़रूरत थी किसी चीज़ को भी इनकार नहीं किया पूरे गांव, क्योंकि उर्दू के जानने वाला मैं ही था। वहाँ जाटों को ज़रूरत पड़ती थी उर्दू के पढ़वाने की तो मेरे पास ही आते थे, किसी को झाड़ फूँक करना या धागे बनाने, किसी को करना, सब पूरे गांव के काम आता था। एकदम से ऐसे नहीं था कि मार्टर कोई भी कुछ भी था, कुछ नहीं था। और प्रशासन से एक मांग कर रहे, घास काटते हुए खेलते हुए अपना काम करते हुए वे ठारके वे इसी गांव के बच्चे हैं, निर्दोष हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से तुरंत बिना किसी कारण बा इज्जत रिहा किया जाओ। छड़ी पीटने का काम नहीं, ये शोक सभा है, ये शांति मीटिंग है, थेरी यहाँ कोई ना पीटते।
अब और तू कोई मौका मिलेगा ये और तू की ही मीटिंग है मीडिया भी हमारे बीच में आके हमारे गांव में अगर अब सपा का कोई भी नेता आता तो अंजाम बहुत बुरा होगा उसके लिए। हम नहीं चाहते हमारे गांव में कोई भी सपा का आदमी आए। आपके गांव से कितने बच्चे उठ के गए हैं? उठन तो हम देने के नहीं, बच्चे पहले बच्चों के सामने आ गए। नाम गए कैसे? नाम 110 है, 14 है और 150 अज्ञात में है और 46 की कल फिर सुनी है लगता है। जिस तरह बच्चों के नाम जगह जगह लिए जा रहे दंगे और ज्यादा भड़केंगे, इन्हें कोई भी बंद नहीं करा सकता। आप लोग किसे यहाँ पर वोट कैसे देते थे आप लोग? हमारे तो पहला अजीत सिंह थे यहाँ, लेकिन अब हम भाजपा को चाहते हैं। हमें भाजपा के अलावा कोई और नहीं चाहिए। काट दिए मुसलमान, काट दिए। हाँ, आठ कुतबा कुतबे का नाम का फतवा जारी कर रहे हैं ये। सीएससी जा रही है, वही तो बात हुई थी। वो थोड़ा आ रही अभी थोड़ी लेट भी, पता क्यों आई? रुको, ऐसी कह रहे मगर अंकल थोड़ी देर रुकवा दो। नो कह रहे थे बात ऐसी कि पूरी टीम को पता चल गया कि वहाँ से दंगा हो गया। सिर्फ मुझे मुश्किल था, मुश्किल 10 मिनट हो तो मगर 10 मिनट ही हो तो 10 मिनट रुको क्यों? हाँ होलिया पान छह तो मर लिए। प्रधान आए, थाम सिंह, हरपाल, सुनील, ये कितने आदमी आए, ये बोले भाई तुम कहीं मत जाना, यहीं पर रहना, जो कुछ दिक्कत आएगी पहले हम पे आएगी, बाद में तुम्हारे पे आएगी। चलो ठीक है, इनको विश्वास कर लिया भाई। विश्वास ही सब कुछ है, उसके अंदर तो घुस नहीं सकते। निकल के पीछे ब्राह्मण को, जिधर ब्राह्मण रहते थे उधर को निकल कर पीछे बोल दिया कर लो जो तुम्हें करना है। जो जाट लोग थे ना पहले सेटिंग कर दी कि वे उधर से खाली हाउल्ला बोलेंगे, जो बच्चे हैं उधर से खाली हाउल्ला बोलेंगे, वे तुम्हारी तरफ को भागेंगे, फिर तुम आराम से काट लेना। हमारी जो घरवाली थी वहीं पर, उसको मैं बोला था मैं कहीं मत जाना, अंदर से दरवाजे बंद कर लेना, बाहर मत निकलना, मैं देखता हूँ इतना हाउल्ला कैसे हुआ। वापसी घुसने का मौका नहीं मिला, उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर मैं बाहर आ गया, देखा कि पूरी भगदड़ मच रही है। बाहर क्या हो गया, ऐसे से वहाँ से मारना चालू किया। मैं कहा अभी तो ये बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अभी ऐसे कहे। ये बोला तुम भाग जाओ, मेरी इतनी टाइम नहीं है बात करने को, कोई किस तरह भागने लगा, किस तरह भागने लगा, तो घर पर वापसी जाने का मौका नहीं लगा। फिर उन्होंने क्या सोचा कि इधर मरद नहीं है, अब जा कोई भी घर में घुस जाओ, जिसको जो अतुल जिसके घर पे लड़की हो औरत हो जिसके हाथ लगा उसने वही काम किया।
दूं कैसे मुलायम के परिवार की नीति हुई गंदी कोई निभाई मत करियो इससे संधि मुलायम के परिवार की नीति हुई गंदी। Among the main accused in the riots were BJP leaders Hukum Singh, Suresh Rana, Sanjeev Balyan and Sangeet Som. An FIR was also lodged against BSP leader Kadir Rana for making an inflammatory speech. In June 2013, Amit Shah, considered Narendra Modi's right-hand man, was made campaign in charge of BJP in Uttar Pradesh. Amit Shah has had a checkered past, accused of orchestrating fake encounters when he was Home Minister of Gujarat. उत्तर प्रदेश में और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। मुस्लिमों ने एक बहन को रोकने का काम किया और उसके भाई के सामने कहा कि रात को मेरे पास छोड़ जा, सुबह ले जाना। बंधुआ जब क्रिया उधर से होगी तो प्रतिक्रिया इधर से भी होगी। हिंदू किसी को छेड़ता नहीं लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता नहीं। क्यों दंगे होते हैं? दंगे करने का किसी को शौक नहीं है। क्यों दंगे होते हैं? कोई घटना होती है और प्रशासन अपना काम नहीं करता तब जनता को मजबूर होकर माँ बेटियों की इज्जत के लिए रोड पर आना पड़ता है। बाकी दंगा करने का किसी को शौक नहीं है मित्रों। ये चुनाव विचार का चुनाव है और कैसे विचार का चुनाव है? एक तरफ वो लोग हैं जो बहनों के साथ अपमान करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो गाय माता जो हमें दूध देती है उसके साथ अत्याचार करते हैं, वो अराजकता फैलाते हैं, वो वातावरण खराब करते हैं, भीड़ जुटा करके हमें डराने का प्रयास करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो माताओं बहनों के सम्मान के लिए रासू का तक लगाने को तैयार है। Many months before the riots broke out, there was a concerted campaign by BJP and other Hindutva organizations in the districts around the issue of women's safety, highlighting Muslim men as perpetrators of violence against Hindu women. मोदी सेना जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस चुनाव के परिणाम का? माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आपके जन जन की पुकार है, आपके मोदी सरकार है। तो क्या उद्देश्य है मोदी सेना का? ये हम जो हमारा अपना मानना ये है, हम मोदी सेना, हम मोदी जी के सिपाही हैं। हम ठीक है बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं क्योंकि बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी जी को पीएम पर कैंडिडेट कर रही है, घोषित भी क्या है और बीजेपी कैंडिडेट बना भी रही है, पर हमारा मानना है हम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से हैं, हम उस उन्हीं के दिशा निर्देश पे चलेंगे। हिंदू लड़कियां खास करके असुरक्षित महसूस कर रही हैं, अभी इसका क्या है? तो ये ऐसे सपा सरकार में मतलब मोमडनों का एक जो दबंग ताई है, एक गुंडागर्दी ताई है, ये है कि ये अपने चरम सीमा पर इनका प्रभाव चलता है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं 100 मिलेंगे ऐसे, मतलब जो छेड़ते हैं और अधिकतर मतलब जो एजड हैं वो ज्यादा करते हैं इस चीज को। वो ऐसे करके चलते हैं ना।
ऐसे कोई अगर उन्हें कह रहे कि बाबा मतलब ये मत करे तो सीधा आके यहाँ खड़ा हो ना तो बाबा नीचे उनार करे सीधा निकल मतलब ये होता है जैसे बस में जा रहे हैं तो बस में चढ़ रहे तो या उतर रहे तो या बैठ गए तो जैसे बराबर में बैठे हैं उतना हाथ रख दिया कुछ तो कहते भाई साहब थोड़ा पीछे कर दो तो वो अपना भी पीछे कर लेगा और उसे दंगा उसे तेजी से गाएंगे तो वो सोचेगा हाँ भाई कुछ ना कुछ जरूर है जो इतना उससे बोल रही है कि हमें हिंदू परिवार के लड़के नहीं छेड़ेंगे या मुस्लिम के छेड़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है आप हिंदू की बात करें बिरादरी के भी जो भाई बन गए अपने बिरादरी के भी छेड़ते हैं जो अपने सगे हैं चाहे वो पर्दा करके जा रही है या मुंह गाड़ के जा रही है या बुरखे में जा रही है लेकिन छेड़ेंगे जरूर नुक्कड़ नुक्कड़ पे जहाँ जगह कुछ ना कुछ कहेंगे कहेंगे जरूर हकीकत है ये मुसलमान है वो नहीं छेड़ सकता और जो हिंदू है वो सोचता है तू जाट है तू कुछ ही कर तेरे लिए तो टिकट बना हुआ छेड़ने का तू कर ले जो तेरी इच्छा है तो इसलिए मुझे तो इसमें मुसलमानों की कोई गलती लगी भी नहीं थी लड़कियों को छेड़ तो खुद रहे और दिखा मुसलमानों का रहे कि मुसलमान छेड़ रहे हैं हमारी लड़कियाँ सेफ नहीं है लेकिन वो तो सेफ अपने घर में ही नहीं है क्योंकि घर वाले ही छेड़ते हकीकत है जब घर वाले छेड़ रहे तो बाहर निकल के उसे चाहे कुछ ही होता रहे जो मोमडन के लड़के हैं ये अपनी कलाई में कलावा बांध के मतलब जैसे कि भाई हम हिंदू हैं तो क्या है वे ऐसे घूमते हैं मोटरसाइकिल लेके और जो हिंदू लड़कियां हैं उनको छेड़ते हैं हाँ ये लव जिहाद ही है हमारे यहाँ की लड़कियों को बहका फुसलाकर उनको आर्थिक प्रलोभन देकर उन उस समय तक जब ये लड़कियां फंसती हैं जब तक उनको ये पता नहीं होता ये गैर संप्रदाय का लड़का है किसी का नाम नीटू किसी का टीनू किसी का मोती इस तरह के नाम पता जब चलता है जब वो बहुत उसके अंतरंग संबंध हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता है जीवन में एक बार पति का दर्जा होता है तो वो फिर अपने आप को उसमें चाहे जितनी जैसी भी विषम परिस्थितियों में रह रही हो वो वहाँ समझौता करती है और वो अपना जिंदगी काटती है लव वाला तो ये मामला है कि वो तो दोनों तरफ से होता है अगर लड़की लड़की की मर्जी तो वो किससे रुकेंगे ही लेकिन ये जब से ये झगड़ा हुआ जब से लड़कियों पर बहुत फर्क पड़ा बहुत सारे परिवारों ने हिंदू परिवारों ने भी लड़कियों को घर बैठा लिया और मुस्लिम परिवार की लड़कियाँ घर बैठी गई हैं ये बोले कि अब ये पता नहीं है कि हार जाने के बाद क्या हादसा हमारी लड़कियों के साथ हो जाए आप ऐसे किसी परिवार का कुछ नाम नंबर या कुछ ऐसा दे पाएंगे किसी लड़की के साथ जिसके साथ हुआ जिसको आप लोगों ने भी बचाया और मदद करी अगर कुछ मिल जाए तो बहुत मोबाइल हाँ वो गांधी कॉलोनी की वो जो लड़की खालापार में है किस परिवार की थी जो जो अभी मुजफ्फरनगर छोड़कर चले गए हाँ ये तो दूसरे वाली नहीं अभी पहले वाली बताओ पहले तो मान लो हिंदू परिवार की लड़की थी मोमडंस के यहाँ पे गई है शादी कर ली उन्होंने मतलब यहाँ से कस्बे से जाकर बाहर जाकर उन्होंने कोर्ट मैरिज करी लेकिन इसको भी लेके किसी ने हिंदू परिवार ने भी कोई हंगामा नहीं करा और ना ही मुस्लिम परिवारों ने ये कहा कि भाई देखो हम हिंदू परिवार की लड़की को हम लेकर ऐसा कुछ हमारे कस्बे में अभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो रह रही है अपना नाम से यहीं पर रह रही है कस्बे के अंदर ही ऐसा कुछ नहीं अभी वो रह रही अपनी मर्जी से पर ये भी सोचा था कि अगर लड़की ज़बरदस्ती लड़की को ले गया तो मुसलमान भी सोचे थे कि उन लड़की को भाई उसके घर भेज दिया जाए पर जब उसने इस बात का बयान दे दिया कि नहीं मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहूँगी आपको दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं फिर किसी ने भी दोनों पक्षों में से किसी ने कोई बातचीत नहीं की वो अपने घर है वो अपने अच्छा और ये जो अभी एक और गई है जिसने कह दिया हमारी तरफ से लड़की मर गई अब वो क्या हम तो संतोष ऐसे करते हैं ना जब नहीं कुछ बस चल पाता कि हमारी तरफ से मर गई माँ बाप तो कहते हैं मर गए लेकिन हमारे समाज की एक लड़की चली गई हाँ तो ये किस परिवार की है दूसरी लड़की ये तो बताने को तैयार नहीं है हमारी लड़की बोले हमारे तरफ से मर गई किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है शर्म की भला जिस बच्ची को पाला है छोटी सी से कितना बड़ा गला घोटना पड़ता होगा नहीं कर पाते कुछ भी हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी है ऐसा भी आता है कि कई बार लड़की जानते हुए भी कि वो मुस्लिम समाज का है या ईसाई समाज का है या कुछ भी अपनी मर्जी से भी ऐसी शादियां हो जाती हैं कई बार
इसको रोकने के लिए क्या विश्व हिंदू परिषद क्या करना चाहता है? हमारा तो मानना है कि कानून में ही परिवर्तन होना चाहिए, अपने समाज में ही बच्चा प्रसन्न रहेगा, वहाँ के रीति रिवाज वो सब मिलते जुलते होंगे तो खुश ही वो उसमें होगा। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा ही होता है वो, ऐसे फीलिंग अलग होता है उसका, लेकिन थोड़ी बड़ा होता है लड़का, लड़के को अलग अलग बातें सिखाए, लड़के को अलग, लड़के को सिखाएंगे भी बाहर खेल के आ, तो लड़का है, लड़कियों में मत बैठा कर, लड़के को घर से बाहर न निकल जाइए, क्योंकि इज्जत लड़कियों से है ना उनकी, लड़के तो कहीं धक्के खाते हैं उनसे क्या है। नहीं, लड़का कितने भी गंदे काम करके आ जाए, उसे एक बार ये नहीं कहने का कि तू क्यों करके आया। लड़की पर अगर झूठ में भी किसी ने ये कह दिया कि भाई ये उसके साथ देखी हमने, तो चाहे वो भले ही बात झूठ क्यों ना, लेकिन वो सच साबित कर देंगे। यही तो बात है ना, लड़कियों के ऊपर इज्जत रख दिया। अरे इज्जत तो तुम्हारी है, तुम संभाल के रखो इसे, ऐसा ही लड़का है, ऐसी लड़की है, क्यों तुम लड़की के ऊपर थोप रहे हो? जब वो कुछ कर नहीं सकती, तुमने उसे ऐसा बना दिया कि ये कुछ कर ही नहीं सकती, तो तुम फिर इसे इसके सर पे क्यों रख रहे हो? इज्जत की अपनी टोपी जो है इसके सर पे क्यों रख रहे हो बिना मतलब में? तुम संभाल के रखो इसे। धर्म के लिए तो शुरू से ही नारी पे अत्याचार होता आया है, शुरू से ही आया होता है, तो इसको तो हमें सहन शक्ति भगवान ने खुद ही दी है कि हमें कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। घर में रह रहे तो, बाहर रह रहे तो हमें तो हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति है कि हम हर बात को सहन करते हैं, लेकिन कब तक करेंगे उसे सहन? कभी ना कभी तो उसे सामने आना ही पड़ेगा ना। हम लोग 9 तारीख से यहाँ अभियान ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि जो ये दंगे हुए हैं, इन दंगों में जो आपस में हिंदू मुस्लिमों का बंटवारा हो गया है और इनमें एक तालमेल बैठे, और जो हमारे असली सवाल हैं वो इनसे छूट गए हैं इन दंगों की वजह से। जैसे आज जो असली सवाल था किसानों का कि भाव मिलना चाहिए गन्ने का, वो नहीं मिल पा रहा है, उसके चलते जो है आंदोलन भी, किसान यूनियन जो था वो भी बिखराव में आ गया है। नौजवानों के लिए रोज़गार की दिक्कत है, छात्रों के लिए शिक्षा की दिक्कत है, सारे स्कूल कॉलेज प्राइवेट हो गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस मामले से ये जो दंगा हुआ है ये राजनीतिक पार्टियों का कराया हुआ है और इससे जो है आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हर चीज़ में डाई, खाद, यूरिया, बिजली, सब चीज़ में, यहाँ तक कि भाड़ा भी ज़मीनों तक जाता सब ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी किसानों को कोई राहत पैकेज मिला है? मिला रहा था कि नहीं मिला, बल्कि छीन लिया। हर चीज़ राजनीति से तय होती है। हमारी शिक्षा पद्धति कैसी होगी राजनीति तय करेगी, नौजवानों को काम मिलेगा या नहीं मिलेगा राजनीति तय करेगी, किसानों को फसल का दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा राजनीति तय करेगी, यहाँ तक कि दंगे होंगे ये राजनीति तय करेगी, क्योंकि लोग बट जाएंगे, टूट जाएंगे तो हम अपनी नीति आसानी से लागू कर लेंगे। लेकिन ये बताओ, बिना एकजुट हुए, जाति धर्मों से ऊपर उठ के, क्षेत्रों से ऊपर उठ के जब हम एक होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो उनकी तो स्कीम है एकदम साफ डिवाइड एंड रूल की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगों के लिए टारगेट ढूंढ रहे थे जगह जगह, और किस तरीके से करा दोस्तों, अगर पिछले 6 महीने का अखबार किसी ने पढ़े हो, हमारे यहाँ एरिया में 3-4 अखबार आवे, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जनवाणी, अमर उजाला, इनकी सारू की कटिंग दर रखी 6 महीने पुरानी, मतलब दंगे थे 6 महीने पुराने। हालात अखबार के क्या थे? उसके हालात ये थे कि एक समुदाय के लड़के ने दूसरे समुदाय की लड़की छेड़ी, एक समुदाय के धर्म स्थल पे किसी ने कुछ फेंक दिया। जहन में क्या चीज जा, हिंदू के जहन में यह चीज जा कि मुसलमान ने छेड़ दी होगी, और मुसलमान के जहन में यह चीज गई कि हिंदू ने छेड़ दी होगी। यू जो टक्कर लगवाने का काम है, यू करे इनका अखबार, यू करे इनका चैनल। हम लोगों ने 3 महीने पहले से ही लगभग हमें आइडिया हो गया था कि कुछ ठीक नहीं होने वाला,
तो हमने एक अभियान के बारे में तुरंत जो है सूचना की साथियों को और बैठक की। हमें लगा कि पर्चा निकाल देना चाहिए और पर्चा बांटने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हम कोई मीटिंग भी नहीं कर सकते बड़ी, क्योंकि बड़ी बड़ी पंचायतों के आह्वान हो रहे थे, इसलिए हमने डोर टू डोर जाके काम करने का फैसला किया। अब आगे बढ़कर आप क्षमा जलाइए, अब आगे बढ़कर आप क्षमा जलाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, अब छोड़िए आकाश में नारे उछालना, अब छोड़िए आकाश में नारे उछालना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई, महंगाई का एक गिलास खत्म करो ये गिलास, और इस आम सभा में जो गन्ने की समस्या है उस पर बातचीत करी जाएगी। ये जो दंगे करवाएगा हम आपस में बांट रहे और इसके चक्कर में मड़ाई लूट रहे, इस बारे में बातचीत होगी 3:30 बजे आम सभा में आयोजित मंदिर के पास स्कूल में। हैवानियत की आग ये फैला रहे नेता, हैवानियत की आग ये फैला रहे नेता, शरीफों से गुजारिश है मैदान में आइए, शरीफों से गुजारिश है मैदान में आइए। पूरा गांव मास्टर के नाम से जाना, बड़ा छोटा कोई भी नाम नहीं लेता था। आप हेडमास्टर थे स्कूल के? मस्जिद के पास जो पढ़ती है ना कासिम की, मास्टर है पश्चिम की तरफ से लगे, हाँ। तो सीधा सामने उसके बोर्ड पर मकान हमारा, 20-30 कदम चलने के बाद बाजार से मस्जिद आएगी, यही है कासिम की। वो हवेली जो थी बड़ी वाली कहाँ से? ये खंभे वाली ऐसी, बाजार के पास हमारा मकान है, अम्माजान देखो हम आगे पुरानी हवेली। अगर इस वक्त आप लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर जाने की बात की तो सिकंदर बड़ों के बीच में नहीं बोला। मैं तो ये पूछ रहा था मेरी तालीम का क्या होगा। मर्दों के आने का वक्त हो गया और कमबख्त हसीना अब तक नहीं लौटी बाजार से। सर्दी तो उस साल थी जब मेरी शादी हुई थी। दादा आपको अपनी शादी की सभी बातें याद हैं? कहाँ याद है, जब मैं छोटी सी थी। यही है ना? इसके ऊपर ये दरवाजा मैन, इसमें कितना बड़ा डंडा आया है लोहे का, उसकी कीमत है कम से कम 4-5 हज़ार रुपये लोहे का। ये देखो कैसा क्या बना दिया, खंडर बना। जब घर की ऐसी हालत कर रखी है तो मानो अगर हम वहाँ पे मिल जाते तो हमारी क्या हालत होती। और फिर भी कह रहे हैं कि आ जाओ, और फिर भी बुला रहे हैं कि आ जाओ। अब वापस जाने को दिल करता है? वो किसका घर है?
क्या हो गया उसमें? आग जला दी उन्होंने। किसने आग जलाई? पुलिस ने। हाँ, प्रशासन की कमी है जो सब कुछ इतना हो रहा है। बिल्कुल उस वक्त पंचायत होती थी तो फितनेदार आदमी ये कहते थे कि ले लो इन मुसलमानों को, तो वो यूं कहते थे भाई अपने भरोसे पे लेना, हम साथ नहीं देंगे। ऐसे भी आज भी गांव में मौजूद थे, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि वो सब कोई भी किसी की आवाज़ यानी निकले ऐसा मत करो किसी की। भाजपा के लोग आए थे, उन्होंने वहाँ तलवार बांटी थी, एक जलसा करा था जी। कहाँ पे? लिसाड़ में। लिसाड़ में जी, और वहाँ तलवार बांटी थी, उसमें कहा था या तो मुसलमान पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ, यहाँ आपका कोई नहीं कुछ नहीं रखा। अच्छा जी, ये हुआ था दंगा, वहीं जब ही सराड शुरू है जी। ये कब हुआ था? अब से 6-7 महीने हो गए जी उन बातों को। और ऐलान भी ये करता गांव में, मुसलमान कोई ना आवे इस जलसे में। हर गांव में एजेंट बांट रखे थे उन लोगों ने, मैं एजेंटों ने झगड़ा कराया वहां पे। एजेंट कौन है आप लोग? हैं जी, जाटी थे। एजेंट जाटी हैं जी। ये सब बजरंग दल के आदमी हैं सब। इनके पास तलवारें इनकी दुकानों पे रखी हुई थी, बाजार में हमारा घर है, बजरंग दल ने इनको ये तलवारें दे रखी थी। इंसान की इंसान के बीच में एक दूरी डालने का काम तो बहुत टाइम से किया जा रहा है। इसको अगर मैं सहारनपुर से मुजफ्फरनगर तक पूरा देखूं, तो बहुत पहले से अलग अलग मंच कोई बना बना कर आरएसएस का ही और इन संघ के लोगों का काम था, और दीवार लेखन करना, उल्टे सीधे नारे लिखना दीवारों पे, रेस्टोरेंट में बच्चियों को पीटना, और आपका कभी जिले का नाम बदलवाना, लक्ष्मी नगर मुजफ्फरनगर नहीं लक्ष्मी नगर कहो। दारुलूम देवबंद में 20-25 हज़ार स्टूडेंट हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं, तो ट्रेन में कहीं दाढ़ी काट ली, कहीं टोपी उतार के पीट दिया, कहीं मोबाइल कोई रिचार्ज कराने जा रहे टोपी वाले बच्चे उनको पीट दिया, बुरके वाले ने कहीं बैग थैला रख दिया ट्रेन में उसको धकेल दिया, तो ये बहुत चल रहा था। उज्जैनी में भी हुआ, सुपर इसमें लुधियाना एक्सप्रेस में भी हुआ, Concerted efforts were being made months before the September massacre to stir up communal passions. In June 2013, rumors of a rape of a Dalit woman by Muslim men started doing the rounds in Shamli city. BJP leaders Hukum Singh and Suresh Rana rode on the rumors to orchestrate a riot. They organized a protest demonstration against the alleged rape, violating an order of Section 144. The gathering was met with a lathi charge. Since the SP in charge was a Muslim, the administration was accused of partiality towards Muslims. According to reports, two Muslims and one Dalit were killed at the riot at Shamli. For a long time before and after the incident at Shamli, similar attempts at communalizing random incidents of clashes were being carried out by BJP leaders. Eid ke din ek Mohammedan ko goli mar di gayi yahan par masjid ke gate ke andar. Ye Muslim mohalle kshetra hai, pura ka pura takriban 15,000 Muslim hai yahan, 1,000 Hindu bhai bhi hain. सलमान को ईद के दिन मस्जिद के गेट में गोली लगने के बाद भी किसी हिंदू भाई का बाल तक नहीं टूटा यहाँ, इतना भाईचारा रहा। लेकिन उन लोग तो चाह रहे थे कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहीं दूसरी जगह होगा, नेक्स्ट टाइम वो फिर शोरूम के अंदर हुआ जी। झगड़ा शुरू तो लड़की के ऊपर से हुआ था। किसकी लड़की थी? फौजी की। वो 3-व्हीलर में बैठ के जा रही थी, उसे जाट के लड़कों ने छेड़ दिया। जो है मुली जाट के लड़के थे, उन्होंने उसे मना किया, फिर भी मानने नहीं, उन्होंने उसे पीट दिया। लड़ाई तो यहाँ से शुरुआत, तो यहाँ तक फिर हिंदू मुस्लिम में पूरी जुड़ी। महीना याद है आपको? अगस्त में थी। अगर कोई काश हमारे पास हथियार होते
ये दो डंडे मारकर हमें जेल में करते और हथियार भी खोज लेते। हमारे पास यहाँ तक के लाठी भी नहीं थी उस टाइम। यहाँ जो स्टार्टिंग झगड़ी हुई इस इलाके में वो बुच्चा खड़ी गांव है किराना के पास में, हिंदू गुजरों का बहुल गांव है वो। वहाँ पर होली की इवनिंग में किसी ने होली में आग लगा दी। रात में आग लगनी थी, उससे थोड़ी देर पहले उसमें किसी ने आग लगा दी। जो गुजर संप्रदाय के लोग थे उन्होंने जाके मस्जिद में तोड़ फोड़ की, काफ़ी सारा नुकसान किया, दीवार भी गिरा दी। जब उनकी FIR की गई तो उसके खिलाफ यहाँ पंचायत बैठ गई कि इनको अरेस्ट ना किया जाए। उसमें मेन जो काम किया वो हमारे जो भाजपा के से यहाँ से हैं हुकम सिंह जी, बड़े पुराने नेता हैं, विधानमंडल दल के भी नेता हैं यूपी के। The incident that BJP was looking for finally came through Kawal. On 27th August, a young Muslim man, Shahnawaz, was murdered in his village Kawal, allegedly by a group of Jat men. Sachin and Gaurav from the same group were killed in retaliation by a mob from Kawal, avenging the death of Shahnawaz, as the others in the group managed to escape. The accused in both Shahnawaz and Sachin and Gaurav's murders were let off by the police. But BJP selectively highlighted the acquittal of Sachin and Gaurav's murderers as yet another case of partiality by the state government. It was commonly believed that Samajwadi Party leader Azam Khan was responsible for the acquittal of Sachin and Gaurav's killers. The reasons for the clash between Shahnawaz and Sachin and Gaurav were widely debated. However, Hindutva groups squarely put the blame on Shahnawaz, claiming that he had molested Sachin and Gaurav's sister, even though the initial FIR lodged by Sachin and Gaurav's family had no mention of molestation. लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टे जो शिकायत करने जाता है हिंदू उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। हिंदुत्व ग्रुप्स बिगन टू वेनरेट सचिन एंड गौरव एज मार्टर्स हु डाइड फाइटिंग फॉर द ऑनर ऑफ देयर सिस्टर अगेंस्ट अ मुस्लिम परपेट्रेटर। लगाते हुए इतनी बर्बरता के साथ में दो हिंदू बच्चों को तड़फा तड़फा करके मारा गया और उसके बाद प्रशासन और शासन की नींद नहीं टूटी अभी। A fake video was circulated, claiming that it was a recording of Sachin and Gaurav's death. The video was actually shot in Pakistan 2 years before the Kawal incident. BJP MLA Sangeet Som also shared it on social media. The atmosphere began to vitiate. A series of panchayats and counter-panchayats were held across the districts by both communities, where inflammatory speeches were made, fanning communal tensions. BJP called for a Mahapanchayat on 7th September at Nangla Mandor village, ironically on a Bharatiya Kisan Union platform. A heavy drive at mobilization for the panchayat on the 7th was carried out through smaller panchayats at Jat-dominated villages. The atmosphere was highly charged, and perpetual incidents of clashes were being reported from various parts of the districts. While everyone could sense a riot brewing, the state government looked the other way. The stage had been set for the 7th September Mahapanchayat. Around 1 lakh people were mobilized, even though Section 144 had been announced. Rumor mongering, including the fake video, brought Hindus, particularly Jats, from various neighboring districts to the venue of the Mahapanchayat. Armed people on their way to the Mahapanchayat, shouting anti-Muslim slogans, attacked several Muslims on the way, killing three and injuring several.
Bhartiya Kisan Union platform was addressed primarily by BJP and other Hindutva organization leaders. Jats returning from the panchayat clashed with Muslims as they passed through some Muslim-dominated villages. In two Muslim-dominated villages, Jolly and Pur Balian, six Jats were killed. Rumors spread fast that hundreds of Jats have been killed. What followed was justified by Hindutva organizations as action-reaction yet again. सारे थे जी और एकदम पथराव होना शुरू हो गया। ट्रोली में आदमी थे ज़्यादा, बराबर साइड में तकते थे, जो ऊपर से ईंट भर से अंदर लोग बैलेंस तो बिगड़ ही है। बैलेंस बिगड़ने में ये आदमी गिर गए, एक दो आदमी को आना पड़ेगा हाथ भी खींचा ट्रोली में से, उसमें से तीन आदमी गिरे हमारे, दो तो पता नहीं किस तरह में तो बचकर भाग गए, वो जमीन पर गिर गया। अपना पता नहीं कैसे कितनी ज़्यादा चोट लगी उसका, वैज्ञानिक आओ वो जमीन पर गिर गया। हमने सब उठाने की कोशिश भी करी थी, जब ट्रैक्टर हमारा थोड़ी दूर निकल गया उठाने की कोशिश भी करी नहीं हमको, तो वे हमारे पीछे भाग गए जी, बल्लम ले रहे थे, डंडे ले रहे थे, वे हमारे पीछे भाग गए। फिर हम वापसी भाग पड़े भाई, तो मकई तो सबको मार दे रहे हैं। फिर थोड़ी दस पाँच मिनट में ही वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई, उसने उठा रहे हैं वहाँ से ले गया। तो अभी आपको सरकार से कुछ मदद मिली, मुआवजा मिला? सबके पीछे ये तो गवर्नमेंट करवा लीजिए सर। और ये हम अपने परिवार में दो आदमी झगड़ा बन गया और हमें एक का पक्ष लेकर खड़े हो गए, तो झगड़ा तो बढ़ागा। आप क्या उम्मीद कर रहे हो, किसकी सरकार आएगी आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? सरकार तो ये दीवार और ये हवा बता रही है कि मोदी की आओगी, लेकिन इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर की गन्ना बेल्ट में आम तौर पे पहले चौधरी अजीत सिंह और उनकी गहलोत की एक अच्छी पकड़ थी। इस बार ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा की ज्यादा मजबूत स्थिति लग रही है? पता नहीं झगड़े की वजह से आ रही, मेन पॉइंट है झगड़े का आएगी झगड़े। अब आपके दुख सुख में हम अग्र हैं जी, तो आप तो हमारा सम्मान। झगड़े से पहले भाजपा का मेरे आपको मान लोगे, और जब जो है जीत हमारे मरने में जीने में नहीं आ रहा तो हमारा क्या लोग है जी, वो ये देसी भाषा है जी। बदल जाएंगे हर तरफ, खुशियों के फूल बहक जाएंगे। भाइयों बहनों एवं आदरणीय बुजुर्गों, चौधरी करतार सिंह घराना जी अपने सम्मानित मतदाताओं को भरोसा देते हुए कहते हैं, अपनी मेहनत से कैराना लोकसभा क्षेत्र का इतिहास इस खाप पंचायत की विश्व हिंदू परिषद ने पूरा इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इनकी उन चीजों को लेके
और फिर इनके साथ इन्होंने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद फिर आखिर में यही कहा कि आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारी और आपकी आपकी इन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं कि गांव में शादी नहीं होनी चाहिए, कहीं हमारी बेटी बाहर नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही इनकी ये स्वीकृति इनको मिली अंदर खाने, वैसे ये लोग एक हो गए। और फिर मोदी का, तो जैसे ही मोदी का नारा आया तो उसके बाद तो अब अगर आप किसी भी हिंदू से पूछेंगे इस समय, अगर आप दीवार से भी बात करेंगे तो मोदी की आवाज़ है, इस तरीके का वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी रही है, ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है। एक कानून बना हुआ है हिंदू कोड बिल में, एक भाई समगोत्र विवाह, ये समगोत्र विवाह भी टूटना चाहिए। गोत्र का गोत्र विवाह होता है, ये तो बहन भाई होते हैं, ये कानून भी छूटना चाहिए। तीसरी बात मेरी एक और है, तीसरी बात एक और है, जो जुलम हमारे साथ में हुए हैं, जो जांच हमारे साथ है बाबू कम सिंह ने कहा, आप इनका सहयोग करें और इनको पूरी जिम्मेदारी दें, हम इनको ऐसे विश्वास के साथ जिता के देंगे। उत्तर प्रदेश में कोई भी इतनी वोट नहीं करेगा। धन्यवाद। अब जो है पूरी जाटों की जबान विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है, विश्व हिंदू परिषद की जबान जाट बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ दलितों को भी शामिल करना चाहते हैं। ऐसा हल्ला बोला उन्होंने रात के समय में, अगर नहीं कोई आ रहा तो भाई ले लो एक डब्बा ले लो। अब नो हम कह नहीं सकते, वे हम ही कह रहे थे कि वे क्या करते, नो हम कह नहीं सकते, देखो हम इसलिए हम झूठ बोलने लगा। अब भाई उन लोगों के लिए झूठ बोलने लगा, उन्होंने जब हमला किया उन्होंने पूरा हल्ला मारा बहुत तकड़े से, ना ले लो भाई, गोली भी चलाई उन्होंने, वैसे कहना चाहे उन्होंने सामान नहीं फेर करे चाहे कुछ भी करे, उन्होंने रुक्का मारा बहुत तकड़ा हल्ला दिया कि ले लो एक डब्बा ले लो। पर लोग भाग तो बनते भगम भाग भगम भाग। प्रशासन तो दे ही रहा है जैसे ना मात्र की तरह, और जो हिंदू संगठन है ये हिंदू परिषद और शिवसेना, ये लोग सब राशन लाए इनके लिए। यहाँ पर दलित समाज आम तौर पे उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से बसपा को वोट देता आ रहा था, जी जी, इस बार भी क्या यही कुछ इरादा है? या देखो अगर अच्छा कैंडिडेट मायावती उतारते हैं यहाँ पे छोड़ के मुस्लिम समुदाय को, तो फिर भी जो बसपा का कैंडिडेट है दलित समुदाय वो फिर भी बसपा को वोट देगा, अगर अच्छा कैंडिडेट हिंदू का तो आपकी मोमडन का उतारेगी तो वोट बिल्कुल भी इसको 1% नहीं मिलेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश से। दलित के ऊपर तो हाथी की मोहर लगी हुई है, इसलिए हमारी मजबूरी है, बहन जी को हम वोट देते हैं। हम प्रत्याशी नहीं देखते, हम तो केवल हाथी का निशान देखते हैं। वो दलित सिर्फ हाथी को वोट देगा, अन्यथा और किसी को नहीं देगा। 5-4% इधर उधर चले जाएं इसकी परवाह नहीं करते, ये तो सब नहीं होता। एक जो धारणा कम से कम बात सुनने को मिलती है, दंगों की वजह से एक हिंदुत्व की लहर बन गई और बोला जा रहा है कि दलित वोट इस बार टूट के शायद भाजपा के साथ जा सके। ये तो सिर्फ एक तरह से लहर दौड़ी है मोदी की, जिस तरह ये चैनल खरीद लिए है, ये भाजपा ने चैनल खरीद लिए, हर एक चीज खरीद रखी है, ये तो लहर दौड़ा दी कि अल्लाह का हर मोदी घर घर मोदी, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। हम 25 साल हो गए जब से सन 1984 का मेहंदी में चुनाव लड़ा था, हम उसकी साथ बंधे हुए हैं, बंधे रहेंगे। बहन जी ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, हमारी कौन सुना था? ऐसे हमारा झूठ बनाकर साले कुड़ी पे गए रखे थे, हमें सुने ही नहीं था कोई भी। और आपको क्या लग रहा है कि मुसलमानों के साथ भी लगभग वही स्वरूप हो रहा है क्या? अरे कभी बदतर, जो हमारी साथ बीता उससे भी खराब हो रहा। मुलायम सिंह ने जेल और कट्टा दिया और कुछ नहीं दिया।
और कांग्रेस ने हमारा वोट लूटा, राज करा, हमें खड्डे में घेर दिया था, हमें गोई गूथ इनाम ने कर दिए थे। लेकिन इस बार जो दंगे का प्रभाव रहा है, वो दंगे का प्रभाव ना तो कहीं चमार दुश्मन मोमडन का है, ना मोमडन का दुश्मन चमार है, ये गुजर साहब ने लड़ाए हुकम सिंह ने जाट और मुसलमान। लोग हैं वो 85% लोगों का हक खा रहे हैं और जो 85% लोग हैं वो 15% लोगों के हक पर जी रहे हैं। तो स्थिति ये है दलित और प्लस मुस्लिम, पीड़ित दलित 5000 सालों से दलता आ रहा था इसलिए दलित हो गया, लेकिन अब दलने की बारी है मोमडनों की। देश को आज़ाद हुए 66 वर्ष हो चुके हैं, इनकी स्थिति आज आप सच्चर कमेटी के माध्यम से देख लीजिए या वैसे भी देख लीजिए, पहले नौकरियों में इनकी स्थिति देख लीजिए, सन 60 में और 70 के दशक में इनके नौकरियों में 4 या 5% थी, आज इनकी स्थिति 1.5% या 0.5% के आसपास रह गई है। तो दलित मुस्लिमों की तो जो स्थिति है वो दलितों से भी बदतर होती जा रही है। जब एक ऐसी लहर बनती है हिंदुत्व की या हिंदू मुसलमान की एक लहर बनती है तो उसमें दलित समाज भी कुछ तो कटता ही है उधर की तरफ। जो कैडराइज लोग हैं, माननीय कांचीराम साहब ने हमें कूट कूट के समझा दिया गया है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो हम क्यों लड़ाई में आगे आए? हमारे पूर्वज पहले आते चले गए, वे नुकसान खाते चले गए, लेकिन अब हमारे पास बुद्धि है, हम उस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हम क्यों लड़ाई में जाए? और दंगे की रही बात, ना तो इस दंगे में हिंदू मरा है ना कोई मुसलमान मरा है, मरा है तो सिर्फ इंसान मरा है। अगर सोचने वाली बात रही बात कि कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हुआ है, हिंदुओं ने मुस्लिमों को काट के रे गाँव में, किन लोगों को काटे हैं? पावरफुल लोगों को नहीं, जो उनके हाथ के तले के लोग थे, जो उनके खेतों में काम करते थे, जो उनके यहाँ पर मजदूरी करते थे, जो उनके डांगरों को घास घेरते थे, जो उनके खेत खलिहानों को पानी देते थे, सींचते थे, काटते थे, बुआई करते थे, उन लोगों को मारा है। आज जो है जाट के लड़के इतने ऊपर पहुंच रहे थे, हम तो 10 हो, चमार के चूड़े के मुसलमान के तो 10 हो और उनका एक हो, वो एक हम 10 को पीट जा रहा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, ना हमारे पास जमीन, ना हम नौकर पैसा है, मजदूर किस्म के हैं, चमार हैं बेचारे में एक बांधे, हम हैं उनकी मजदूरी करें, तो इसलिए जो है सब दबा उन्हीं का ये जट्टों का। सबसे बड़ी बात यह है कि हरिजन, कश्यप और वाल्मीकि और जितने भी कौम वहाँ पे हैं, वो कौम आज भी हमारे निकलने के बाद उनका जुल्म का शिकार होएंगे, ये हमारा वादा आपसे, क्योंकि वो लोग किसी को पकसने वाले नहीं, क्योंकि अब हम मजबूर थे उनके सामने, अब दूसरे मिल जाएंगे उनको। अजी अब तक तो मैं हमनु कहते हैं सुअर फलाना ढिकड़ा, अब हम तो लिकड़ी है, अब जब ना कहेंगे झिंगले, किसी को चमोटे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, क्योंकि आदत पक गई ना। ये हमारे साथ मजदूरी पर जा थे झिमर चमार, और उनके हाथ में उस दिन भाले तलवार गंडासे, उनके हाथ में ये चूड़े चमार, ये दलित तबके में आ गए, और ये हमारे पीछे, क्योंकि पीछे की सपोर्ट उनकी के भाई आप लोग चलो, नहीं तो अपने खेत में काम नहीं करने लगे या घास लेने जाने लगे, तो उनको ज़बरदस्ती करवाया जाता है। छोटा आदमी क्या करेगा, चतो भागेगा या फिर उनके गुलामी करेगा। किसी और कुछ भी कर सके,
और भी ऐसे आइटम है जिससे कि हम सब्जी वगैरह खाना बना लें, वो भी हम जो है नहीं रुकी सुक्की जैसा मिल रहा है। फिलहाल तो ज़्यादातर हम हमारे बच्चे हम गन्ना चूस का गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं अब बुग्गी आवे गन्नों की, ये जंगड़ में से गन्ना लावे उसे तसल्ली था हम चूसे और अपना पेट भर का अपना फिर शाम के टाइम अपने यहाँ से आने में। आप लोग कौन से गांव से हैं सर? जी गांव खरड़ से। आप लोग को मुआवजा मिला है? नहीं सर मुआवजा नहीं मिला अभी तक किसी भी, हालांकि जैसे कि हमारा गांव पहले फ्रंट पर दंगागर्स गांव खरड़ ये था, लेकिन आज तक इसकी कोई नाम नहीं है। नाम तो था लेकिन सरकार ने काट दिया। क्यों काटा है, काटने के पीछे क्या कारण बता रहे हैं? वो कारण है सर क्योंकि हमारे गाँव के कुछ मुस्लिम जाट है जिनकी वहाँ से जमीन है 2,500 बीघे। अब मैं वहाँ से अपनी खेती बाड़ी तो जरूर करेंगे, अब मैं दिन दिन मजाक और नाइट बैंक तिंगा बोले डरे सी में लोग में भी बहुत बुरी तरह डर रहे। ये मलकान मूले जाट का घर किधर होगा? ये चुरा अगला चुराया। अच्छा उस गाँव में को अंदर को चले जाइए मलकान का। ये शुक्रिया। आप एक चीज बताइए, आप लोगों को डर नहीं है, आप लोग वापस कैसे आ गए? वापस तो हमारी जागीर है जिसे छोड़ कर कहाँ जाएंगे, मजदूरी तो हमारे बस की नहीं, हम किसान लोग हैं, 2200 बीघा जमीन है हमारी यहाँ, हमारे ट्रैक्टर हैं, वाहन हैं, मकान है, पशु हैं, मकान है, जीने छोड़ कर हम जाएंगे कहाँ? गवर्नमेंट तो हमें दे नहीं सकती इतना पैसा। बाकी फिर मुसलमान तो वापस नहीं गए कहीं पर भी, चाहे फुगाना हुआ, लाख हुआ, बावड़ी हुआ, लिसाड़ हुआ। अच्छा हमें गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मैं तो यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ कर लेंगे जी। जब हम छोड़ गए से हमारे पास मजदूरी भी है, मजदूरी भी नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये हमारे पीछे बंदे ही है, ये मजबूरी है जी। अगर आप प्रोफेसर रह लें तो आप एक प्राइमरी स्कूल में टीचर रहना अच्छा नहीं समझेंगे? दंगे के दौरान क्या मूले जाटों पर नहीं हमला हुआ था? बिल्कुल नहीं, नहीं। उधर से जैसा हमला होता हुआ आज तो मूले जाटों के पास पहुंच गए में तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा हमारा लाइसेंस है जी, काफ़ी लाइसेंस है तो उन्हें दिखा के टक्कर बराबर की है। अच्छा आप लोग काश्तकार हैं, हमें भी काश्तकार हैं, आप चौधरी हैं, हमें भी चौधरी हैं तो जवाब मिलेगा। ये मान लो या उस कुदरत वाले का खौफ मान लो तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। करीब 650 आदमी थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अभी मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे हुए सितंबर में,
इसमें बहुत बहुत मुस्लिम समुदाय को तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान माल का भी। जी जी सर, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, जो दंग होया वो समाजवादी पार्टी की देन नहीं है, भाजपा की देन। जो भाजपा के नेता जो थे उनकी दंग कराने की है, जो कुछ है। अगर आपके घर में झगड़ा होगा, आपके घर में झगड़ा होगा ना, तो जिम्मेदारी तो आप भैया होगी ना, तो आप घर के जिम्मेदार हो। सरकार प्रदेश की है, जिम्मेदार है वो। झगड़ा प्रदेश में होगा तो सरकार पे आओगे ना इल्जाम, तो वो जिम्मेदार है ना। इस करके कोई फायदा नहीं है इन बातों से। झगड़ा तो करवाया भाजपा ने, जिम्मेदारी के सामने थोड़ा डिफेट रहा है सर। सरकार थोड़ा पहले ध्यान दे लेते झगड़ा नहीं होगा। जामिया से का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर स्पेशल चुनाव के लिए ही आया हूँ, कन्वेंसिंग के लिए आया हूँ। और हम लोग बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके कई सारे रीज़न हैं बसपा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आज तक जो मुसलमान हैं वो सपोर्ट करते थे समाजवादी पार्टी को, लेकिन अभी अभी ये तीन दिन चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है, जिसमें साफ साफ ये दिखाया गया है, ये बताया गया है कि जो दंगे हुए हैं वो प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुए हैं। यहाँ पे पिछले सरकार में जब मायावती की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस टाइम यहाँ पे सबसे बड़ी बात कोई दंगा नहीं हुआ। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम कम से कम यहाँ पे सुरक्षित रहें, ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। हम और कुछ नहीं चाहिए, किसी रोजगार ये सब ये मसले तो बाद के बात हैं, सबसे पहले होती है सेफ्टी। और इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, तो इसलिए हमारा तो ज़्यादा रुझान है वो बहुजन समाज पार्टी। हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, लेकिन चुनाव ने हमें ना क्या किया कि हमें बांट दिया। आज बात हो रही है दंगे किसकी वजह से हो रहे हैं, दंगे भी तो चुनाव की वजह से हो रहे हैं। दंगे के का रीज़न क्या है, और कोई भी नेता हो उसे सबसे पहले हिंदुस्तान की बात सोचनी चाहिए, ना कि कौम की या बिरादरी की। लेकिन हालात पैदा कर दिए गए हैं, आज मुसलमान के सामने एक हालात पैदा कर दिए गए हैं कि उसे सोचना पड़ रहा है। वरना हम वो कौम है कि हमने 1947 में हमने कांग्रेस को वोट दिया था, ना कि मुस्लिम लीग को। आज हम यहाँ पे हिंदुस्तान में इसलिए हैं क्योंकि हमने वोट दिया था मुस्लिम लीग को, वो कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था। वरना अगर हम चाहते तो हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमें हिंदुस्तान से प्यार था, हमें और हमने हमेशा कौम हमें हिंदुस्तान के बारे में सोचा है। और आज दंगे कराए जा रहे हैं, नुकसान तो सबका ही है। मतलब तीसरा महीना लग गया 2014 का, इसमें पैसा ही नहीं मिला। पिछले जो 2013 था दिसंबर का महीना, उस तक गन्ने डालने लगे थे हम मिल में यहाँ, अब इब तक पेमेंट नहीं मिला। पिछला जो पिछले साल गिरा इन दिनों 2013 में, वो पेमेंट लग रही है हमारा डायमंड मिल वाले कर साथ साथ थोड़े थोड़े धीरे धीरे, वो काम में नहीं आते काश्तकार के पैसे। राशन भाई, लेकिन यहाँ तो आपकी किसान यूनियन बड़ी मजबूत होती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती की,
तो इस बार क्यों नहीं कुछ कर पाए? बस वो नू नहीं कर पाए, ये जाट जो थे ना ये जुड़ के चले थे हम लोगों से भी। ये दंगा हुआ ना पिछले मतलब चमस्से में हिंदू मुस्लिम वाला, उस वजह से उनका संगठन मजबूत नहीं रहा। तो मैं अगर दाब दे देते वो दाब उनकी खत्म होगी। हम सब लोग मिलकर दाब गिरे थे सरकारों पर, सब किसान। ये वो दंगा पीड़ित की वजह था मुसलमान हिंदू का, वो तो तितड़ा हुएगा मामला। मैं पहले भागचा किसान यूनियन में रहा हूँ करीब 25-26 साल। इस झगड़े की भारतीय किसान यूनियन ने अच्छा रोल अदा नहीं किया, बल्कि झगड़े में जो है वे लोग भी संगीत पाए गए। मैंने बात काफ़ी कोशिश की भाई ने झगड़े को रोको, लेकिन उसका मुझे सही जवाब नहीं मिला। इससे मैंने जो है भारतीय किसान मजदूर मंच का गठन किया। आपके उधर के क्या अनुभव रहे थे जब तक बाबा टिकैत जिंदा थे? तो बाबा टिकैत जो थे सेकुलर आदमी थे, सबको मिलजुल कर ले साथ लेकर चलने वाले लोग थे। मुझे वो अपना बिल्कुल अंग मानते और मेरे पे बहुत बड़ा विश्वास करते थे, हर कार्यक्रम में मुझे अग्रह रखते। लेकिन मुझे भी दुख यही है कि उनके मरने के बाद मैं इस कौम को सेकुलर कौम भी मानता हूँ। जिस गांव में इनकी मस्जिद नहीं थी वहाँ खड़े होकर मस्जिद बनवाई। इस कौम से आपका क्या मतलब है? जाट? जाट से। और आज तक कोई बात नहीं थी, बड़ी मित्रता थी। लोकदल में मुसलमान था, बाकियों में मुसलमान था, और कौम इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना मुसलमान था। लेकिन इनको जो ये एकदम से इतनी बड़ी सजा दी है जो सहने काबिल नहीं है, बहुत बड़े घाव है। लेट हो गया बहुत ज्यादा, एक महीने तो वैसे लेट है सीजन। और क्या नवंबर में चल जाना चाहिए, गेहूं तो बोई नहीं, गेहूं बोने का सवाल ही नहीं। नवंबर में मिल चल जाना चाहिए जब जाकर काम चले। हां तो ये लेट की उन दंगे की वजह से हुआ है? हां कुल पहले तो दंगे की है, दंगे की वजह से हुआ दंगा। किसान मजदूर सब पूरा फैमिली नहीं मिलना भी तक दिया, वो फैमिली नहीं आया और कुछ किसान मजदूर वहां लग गए उसमें जिंदा आंदोलन करने का वो नहीं मिला मौका। और ये सब सरकार का कई नेताओं का क्या देना काम है भाई? तूने अब भुक्की मारा के चिंता ना मारने पूरा। कौन नेता करवा रहे हैं ये अब भाई? ये यही है जो पार्टी है यहाँ, ये भाजपा वाले सपा वालों के, सपा वाले भाजपा वालों को सिर धोड़े सिर पूरे ठीक रहे अपने एक दूसरे के ऊपर लगावें। आप जाट हैं? जाट। ये बोला जा रहा है जाट और मुसलमानों का दंगा था। हाँ जाट पर जो हुआ था बना दिया, तो आपको लग रहा है कि ठीक हुआ इस तरह से जैसे जो दोनों तरफ? बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, निहायत गलत हुआ। बस अने इतना एक रैली में जाते आदमियों को मार दिया, इतना एकजुट होकर चले रहे थे हमारे ये बहुत ज़्यादा। और उस दिन से एक भैंसा पैदा हो रहा दोनों के अंदर ही। आप लोग जाते थे पिछले साल जब ये यूनियन बुलाती थी रेट मनवाने के लिए दबाव डालने, आप लोग जाते थे? इस साल गए? इस साल कोई नहीं गया ना, कोई यूनियन आई? यूनियन भी नहीं है। ठीक सब पूरा है। ये जो बता नहीं रहे कि आप लोग जो फायदा हुआ दंगे का तो इन्हीं लोगों को हुआ। किन लोग का? यूनियन खत्म होगी जो किसानों के हक में लड़ने वाली थी इस दंगे से, कि जो जाटों की जो मिल के जो सब लोग कर रहे थे तो वो खत्म होगी। अब कहाँ जाएंगे, ना कोई बुलाने का ना जाने का, तो फायदा मिल वालों को हुआ है, यूनियन खत्म होगी। जो भाईचारा था, जो समझौता था, जो मिलजुल के आपस में अपनी मांगे पूरी करवा रहे थे वो खत्म हो गया। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भारत किसान यूनियन फिर से एक बार फिर से मिल जाएगा, या आपने उस तरह से उम्मीद छोड़ ही दी है? अल्लाह अकबर का नारा सुना होगा जी, उन्होंने नारा दिया था हर हर महादेव, मैंने उसमें जोड़ा था अल्लाह अकबर। तो ये नारा चला था भारतीय किसान यूनियन में, हर हर महादेव कह रहा तो अगले कहते अल्लाह अकबर, अगर वो अल्लाह अकबर कह रहा तो वो कहते हर हर महादेव। तो ये नारा जो है भारतीय किसान यूनियन में हमने दिया था, अब वो हर हर महादेव वाले रह गए। हर हर महादेव भी ख़त्म कर दिया, हर हर मोदी रह गए। तो जब हर हर मोदी रह गए तुम्हारा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो गाली मुसलमान को ज़्यादा दे रहा वो हिंदुओं का भगवान,
और जो हिंदुओं को गाली मुसलमान दे रहा है वो मुसलमानों का नेता, ये हिसाब चलेगा? पड़े आज 20/12/2013 तक रह रहे शिविर कैंपों में अपना धन माल संपत्ति अपने बाप दादा की जागीर हमारी अपनी जन्मभूमि छोड़कर 4 महीनों से जानवरों जैसे जीवन व्यापत कर रहे हैं। कुछ हमारे बच्चों के इसी दौरान दंगा स्थिति खौफ के कारण 10, 10वीं, 11वीं, 12वीं की क्लासों के बच्चों के प्रवेश पत्र फॉर्म छूट गए हैं और उन्हें परीक्षाओं में बैठने से अध्यापकों ने इनकार कर दिया है। ऐसे ना जाने कितने बच्चे इसी कामों में डूबे बैठे हैं। इनमें से मेरा भी एक बच्चा पढ़ता है ता आदर्श इंटर कॉलेज में, उन्हें भी परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया है। क्या इस देश में भिखारियों की कमी थी जो हमें और हमारी नस्लों को रोजगार, शिक्षा, ज्ञान, बसेरा, सर ढकने के लिए छत देने की बजाय बेसहारा और मांगना खाना सिखा दिया? 4 महीने से मांगने खा रहे ना भाई, हम सबका मांगना खाना था गांव में। कितने दिन का था? 1.5 महीने करीब। अच्छी खासी हंसी खुशी थी, बस जो है सर्दी लगी। और हम जो है कैराना में लेके जा रहे थे बच्ची को, और रास्ते में ही जो है उसकी ज़्यादा हालत ख़राब थी, रास्ते में ही जो उसकी डेथ हो गई। तो अस्पताल पहुँच के डॉक्टर ने बताया कि डेथ हो गई? हाँ, जैसे हम अस्पताल में पहुँचे प्राइवेट ही, तो वहाँ तक पहुँचे जो है बच्ची ठंडी हो चुकी थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, पाला पड़ता था उस टाइम।
कैंप लगाए वो पीड़ित लोग नहीं है, बता लगा लो आप। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है। अगर हम लोग भाजपा या कांग्रेस ही हैं तो मैं माननीय मुलायम जी से मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरा सवाल है उनसे कि उन्हें ये जो सरकार उनकी बनी है बिना किसी दूसरी पार्टी के और ये अकेले सरकार लेकर के आए हैं यूपी के अंदर, तो क्या इन्हें भाजपाइयों ने जिताया है या कांग्रेसियों ने जिताया है? मुसलमानों का इनका कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है? मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं। अगर अब हम ISI के एजेंट हैं तो हम किधर जाएं? हमारा रास्ता क्या छोड़ा इन लोगों ने? हम किधर जाएं? अब किससे हम अपनी गुहार लगाएं? और जो ISI का एजेंट होता है या किसी चीज का भी होता है, उसका ईमान धर्म कुछ नहीं होता। हम वो लोग हैं जो घर से उजड़ करके यहाँ पे आए हैं। हमारा संदेश सिर्फ इतना है कि हम उजड़ करके यहाँ तक आए हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने उनके नहीं मारे। रिश्तेदार कौन राख लगा? ये 2-4 दिन राख लगा, कौन राख लगा? कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारा राइट कैसे डिफाइन करेंगे? हम आपका क्या करेंगे? आप कीजिए ना, आपको जो वीडियोग्राफी करनी है बिल्कुल। मुजफ्फरनगर बुलाते हैं, वहाँ आ जाओ, हमारी जान चाहे रास्ते में चली जाए। इन लोग कुछ नहीं, इस चीज से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप? कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो। अब तक लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, किसी ने सुना है? बार बार आते हैं, हमें बार बार मतलब कहते हैं, क्या लगा आपको हम मारेंगे? यहाँ लोगों के नाम निकालते हैं, गांव में जाके लोगों का पैसा ले लेते हैं। ये इतने रुपए पी रखे इन्होंने, ये भरे हुए हैं। यहाँ से गाँव से क्या करते हैं? सब मारने की धमकी दे रहे हैं। सिस्टम है तुम्हारे साथ, हमसे पूछो, परेशान है मैं? आप लोग परेशान नहीं हो? हमारा घर उजड़ा है, हमारे बच्चे मरे हैं, आपका क्या क्या है? आप यहाँ से नाम निकालते हो, घर वहाँ जाके उनको बोल देते कुछ नहीं हुआ, पैसे दे दो, हो जाता है काम आपका। और क्या आपका काम? ये लोग बिके हुए हैं, कोई भी बात नहीं करता सही ढंग से इनसे। ना वारंट इशू करते क्यों नहीं कर रहे आप लोग? पहले सुनो, आप कोई जो सब एक मिली लगा तो आपसे सबसे बात। अच्छा, आप इनको भी रिकॉर्ड करेंगे? आप इंटिमिडेट कर रहे हैं इनको रिकॉर्ड करके? मेरी रिकॉर्ड लिखो, तुम ज्यादा मत बोलना। यहाँ पर उसको थाने में ले जाना चाहते हैं, बोलते हो ये लड़का इसलिए बोल रहा है, बाकी ये तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दे रहा है, सब उसका बोलते हो तुम। ये फोटो लेते हैं उनका, जैसे हमने हमारे बयान लेंगे, हमारा फोटो लेंगे, उन्हें मुलजिमों को दिखाएंगे, हाँ जाटों को दिखाएंगे, ये लड़का है इसको पहचानो, ये लड़का है तुम्हारे खिलाफ ऐसे से बयान दे रहा है, ऐसे से रिपोर्ट दे रहा है। उनको गिरफ्तार नहीं करती, खाली उनको दबाव दे रहे हैं, हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या करें अब तक? ये 4 महीने बाद जब बयान लेने आ रहे हैं, बयान बाद में लेना, पहले उन मुलजिम का पकड़ो। ऐसे हमारे घर में जो पर्टिकुलर जो कि राजनीति में रहना पसंद करते हैं। ये जो चुनाव का माहौल चल रहा,
जिस समय बताया जा कि इस देश में लोकतंत्र है और ये देश जो है पूरा एक संविधान तक लिखा गया और यहाँ सभी लोग उतना मिल कर एक संविधान बनाया था जिससे हर आदमी यहाँ खुशहाल होगा। लेकिन आज जो हालत है इस देश की और इन छोटे छोटे गाँव में जहाँ आज हम काम कर रहे हैं, यहाँ हर आदमी परेशान है इस देश में। और चंद लोग जिन्हें हम अपने नेता कहें जो इन सब लोगों का भविष्य तय करें 5 साल के लिए, वे आज जो हैं केवल जाति धर्म पर लोगों को बांट रहे, जो उनकी असली समस्याएं हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा। हम सही मायने में लोगों के बीच में जा रहे और उन्हीं पर बात कर रहे कि वाकई में ही इन नेताओं को हमसे बात किस तरीके तक करनी चाहिए, यहाँ किसानों की समस्या है उन पर बातचीत करनी चाहिए। जो हम 60-65 साल से पिछले वोट देते आ रहे आप भी देख रहे, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे जो सारे लड़के हैं जी, जो सारे बेरोजगार घूम रहे, जो हमारे ताऊ वर्ग का बाबा वर्ग का जो पेमिट है जी, बेटे तो बैठ जा, तू बात ना करे, यहाँ तो मोदी मोदी होगी शायद। चलो खैर मेरी सुन तो लो जी, आप मैं भी सुन रहा हूँ कि ये जो माँ 93 दिन धरने में बैठ खा हुए हैं उन्हें पेमिट नहीं मिलता, और ये 5 साल में एक बार आवे हैं और हमें आकर यूँ कहते हैं कि चलो वोट देखो, चलो हमें जो है तरह 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 एडवर्टाइज दिखावे, बढ़िया बढ़िया नाटक चलावे टी वी में, कह ले वोट दो, वोट हमारा अधिकार है, हमारा सबसे बढ़िया अधिकार वोट देना है, क्या जो है हमारा यू ही अधिकार है, एक अख हम जा मान दे कि डाल जो है बटन दबाया है और घर आ जा अपने। क्यों जी, इसका सब सतर्क है, अब जो है लोग दल को वोट देंगे एक तरफा एक तरफा वोट जाके यहाँ से। क्या जी ये झगड़ा हो गया, लड़की छेड़ी पहली बात तो किसी भी लड़की छेड़ी का अधिकार नहीं, चलो लड़की छेड़ी वे उसका उदाहरण देने गए, उनने वो मार दिया दोनों ने, उनने भी मार दिए, दोषी पकड़े गए, दोषी कितना छुटवाई आजम खान ने, अच्छा जी आलम मियाँ ने, तो इन्होंने दंगा कितना कराया, उससे तो दंगा बनाया, हमें पंचायत करने के जो अच्छे लट्टू मार से लट्टू गए थे हिंदू को पंचायत किसने करवाई जी, भारतीय किसान यूनियन ने और जिस आदमी ने पंचायत करवाई उसे ही मंच पर बोलना नहीं दिया, तो हम कैसे मान लें कि पंचायत जो है उसने करवाई, भारतीय किसान यूनियन के तो जो है अध्यक्ष नरेश तो जो है मंच तक पहुंचने भी नहीं दिया, तो गए भी नहीं, भाषण भी नहीं गए, जो हम तो वहाँ जाने देते ऐसा है, हुकम सिंह ने कराए दंगे जितने भी कराए वहाँ के, जो है पहले ही किसान यूनियन की पंचायत है बीजेपी वहाँ से ले रही, उसका क्या मतलब। जैसे जी आपने एक बात बताई कि लड़की छेड़ी और लड़की छेड़ना जो है, हिंदू की लड़की छेड़ी और लड़की छेड़ना जो है किसी की भी हो बहुत गलत बात है, लेकिन यू दंगा तो जीव क्यों नहीं हुआ जी, मुजफ्फरनगर में जो है बजरंग दल के कुछ युवा ने एक मुसलमान की लड़की सरेआम छेड़ी थी और बजरंग दल ने जो है थाने में FIR तक भी नहीं होने दी थी, और उस लड़की के बाप को ईद वाले दिन शाम को ही जो है उसी दिन वही गोली मार दी थी ईद पे ही मस्जिद से निकल तू एकदम, तो दंगा तो तब होना चाहता, वो भी गलत था, नहीं दंगा तो तब भी होना चाहता, हां होना चाहता, वो भी पक्का गलत था, गलत तो था जी, लेकिन गलत ही है, तो इसमें अभी तो बात समझनी पड़ेगी जी, समझ ली हम तो ये भाजपा में एक तरफा, नहीं देखो वह तो आपका व्यक्तिगत मामला है, वो आप जाओ कहीं, हम इस बात को लेकर आ रहे हैं कि 2 साल तक किसानों का पेमेंट दबा बैठा कोई सा नेता कोई सी पार्टी उस बात को कह रही है। दोस्तों और आदरणीय बुजुर्गो, ये जो गीत है हम गाओगे, ये हमारे जो क्रांतिकारी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी है उनका लिखा हुआ गीत है, 19 दिसंबर में हमारे क्रांतिकारी जो फांसी हुई थी हम उनका बलिदान दिवस भी मना रहे हैं, और बाद में भगत सिंह हरबी साहब आते थे बहुत जोश और जनून जब वो जेल में थे अपने आप में मतलब और सॉलिड बनने के लिए इन्हीं के तुगा में थे। इसका गीत का नाम है उरुजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान हो, और स्थिति जोश दौर की थी आज भी वही है। उरुजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, उरुजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सैयद के हाथों से अपना आसिया होगा, रिहा सैयद के हाथों से अपना आसिया होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से दर्दे वतन हर गिद, हाय दर्दे वतन हर गिद, हाय दर्दे वतन हर गिद, न जाने बाद मुर्दन में कहां और तू कहां होगा, न जाने बाद मुर्दन में कहां और तू कहां होगा, उरुजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सैयद के हाथों से अपना
आपके पड़ा है अम्मी, ये तो बहुत बढ़िया। हाँ रिवॉल्वर लिए। मैंने कहा कोई अब हाथ में दे दे तो हाथ भी कप कप आएगा रिवॉल्वर। एक हमारे मामा थे कलकत्ता, तो उन्होंने तस्वीर दिखा दी डायरेक्टर को, कहने लगे भाई तुम इस लड़की को, कहने की लड़की नहीं थी मेरी जोड़ी, कहने लगे तो उसका हस्बैंड कैसे आने देगा, कि नहीं हम उसको रजामंद कर लेंगे। हमारी मदर 90s तक हमसे ये कहा करती थी, अगर हम कभी मजाक में कहा करते थे कि मकान बनाएंगे वहाँ, तो मदर ये कहती थी ना मैं मेरे मरने के बाद तुम सारे भाई अलग अलग हो जाइए कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ ब्याह के आई थी, मर जाऊँगी उसके बाद तुम अलग जाना कहीं भी। अब आज की तारीख में पोजीशन ये है कि दो भाई हमारे जा चुके हैं यहाँ से, मैं खुद भी यहाँ से मूव कर लूँगा। मुस्लिम परिवार कितने हैं यहाँ पे? अब हमारा ये 4 फैमिली रहती थी, 3 चली गई। कब? 90s के बाद गए कुछ लोग अभी रिसेंटली गए, मेरे अपने भाई अभी गए 7 सितंबर के दंगों के बाद, अक्टूबर में मूव किया मैंने। बच्चे पूछते हैं स्कूल से जब आते थे, बच्चे कई बार पूछते हैं पापा हम मुसलमान हैं, मैंने कहा जी बेटा, पापा मुसलमान बुरे होते हैं, मैंने नहीं बेटा कौन बता रहा था, वंश बता रहे थे, वंश कह रहे थे कि मुसलमान गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, मुसलमान जानवरों को मारते हैं, मुसलमान गंदे होते हैं, मुसलमानों के मोहल्लों में गंदगी होती है, मुसलमान नहाता नहीं है, इनके यहाँ जाया ना करो, ये सब बताते हैं बच्चे आके बताते हैं। हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे जो जिनके साथ हम लोग रहे हैं वो त्रिशूल लेके घूमते हैं चुनाव में, उन्हें देखते हैं तो बड़े बड़े टीके लगा के हमारे पास भी आएंगे, तो पहले सलाम करते थे हाथ मिलाते थे, अब जय श्री राम बोलते हैं, अब अगर हम जवाब में जय श्री राम बोलते हैं तो मुसलमान काटते हैं, नहीं बोलते हैं तो देखा सारी चीज़ें सब बदल गया। तो 90% पब्लिक स्कूल्स में आपको मंदिर हैं वो बने हुए दिखाई देंगे, विद इन स्कूल प्रेमिसेस आपको मंदिर मिलेंगे। तो अब बेसिकली अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ने लगे अब हम लोग, हमारे साथ देखिए दोरी मार हो गई, हम अगर मुस्लिम्स में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा सोशल बायकॉट इस बात को लेके है कि आप तो मुसलमान ही नहीं हो, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप दाढ़ी नहीं रखते, आपको नमाज का निशान नहीं है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो प्ले होते हैं वो रामायण के होते हैं, महाभारत के होते हैं, होली मिलन भी होता है, रक्षाबंधन भी होता है, ईद का सेलिब्रेशन तो नहीं होता है। पहले आते थे, अब तो 8-10 साल से ईद पे कोई हिंदू आता ही नहीं है। शीरम पहले 20 किलो का बनता था, अब 2 किलो का बनता है, हम खा लेते हैं, हमारी ईद हो जाती है घर में। हम लोग होली खेलने जाया करते थे, गुजिया बनती थी, सामने नवीन था मेरा एक दोस्त, अभी भी है लेकिन अब वो नवीन है बस, अब दोस्त नहीं रहे वो। तो हम लोग मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे, लेकिन 90s के बाद से होली पर आना लोगों ने बंद कर दिया। हम लोग यहाँ बिल्कुल हाशिए पर हैं, बिल्कुल हाशिए पर, अपनी यादों को संजोते हैं, रात को सोचते हैं बहुत देर तक, बराबर में विद्या आंटी रहा करती थी, उनकी गोद में खेले हैं, वो दौर भी देखा है जब लोग कैन में पेट्रोल भरकर लाए हैं यहाँ पर, हमारे दरवाजे पीटे हैं। अब रिसेंटली 7 सितंबर को जो वायलेंस हुई उसमें भी दुकान के जो डिस्प्ले बोर्ड थे वो जला दिए गए, टारगेटेड वायलेंस, सब दौर देखे हैं। अब आम हिंदू के मन में अपने लिए एक अजीब सा शक देखते बुरा लगता है, अक्टूबर को गोली लगी रामलीला टीले पे और हमें 10-11 बजे 12 बजे के करीब रिक्शा चालकों ने हॉस्पिटल से आके बतलाया कि ले ऐसे ऐसे नाम का बंदा है, मैंने कहा हम मेरा बहनों ही है। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँचे तो रेफर मेरठ के लिए कर चुके थे जब तक। आपका नाम? इमरान। इमरान,
इमरान, आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है ये गोली क्यों लगी, क्यों मारी आशिक, क्या कह रहे हैं? बस ये तो आपको मालूम है, दंगे चल ही रहे थे और दंगे में ये इसमें तो कोई बता ही नहीं सकता कौन क्यों गोली मार रहा है। वो नाम पूछने के तत्काल बाद तुरंत ही गोली मार दी उसके। आप लोग नहीं कहते थे कि रिक्शा मत चला रात को अभी? हाँ, तो वो सबको पता था माहौल, लेकिन पैसे की किल्लत की वजह से सुबह को चाय बननी, खाना बनना बच्चों के लिए, वो शाम को ले करके निकल गया। देश बहुत विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और आपका उम्मीदवार कौन है? आपका उम्मीदवार कमल का निशान है। कमल का निशान किसके हाथ में है? मोदी के हाथ में। क्या नाम है आपका? आरिश। आरिश कौन से गांव से है? लिसार से। तो लिसार छोड़ के क्यों आया? आग जलाई थी। स्कूल जाता है आरिश? हाँ। कौन सी क्लास में है? अब नहीं जाता, छूट गया आप स्कूल? अम्मी नाम चढ़वाएगी स्कूल में? मैं गया वहां पर गांव में, उस दिन ये सामान जो बाहर रखा है सारा लेके आए, सामान लेके आए तो ये देख रहा है, खड़ा होकर गया ऐसे खड़ा और दुकान को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। आजू बाजू में जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने कहा, आरिश आरिश कहाँ है, कहाँ है आरिश? तो चौगर्दे उसको मतलब आवाज लगाने लगे, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई? तो इसने ध्यान नहीं दिया, ऐसे देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। मैंने सोचा मगर इसके दिमाग पे कोई प्रभाव ना पड़ जाए, मैं पीछे से आया, इसको एक लगाया इसके तब ये, हाँ जी पापा, अब हमारी दुकान फूंक दी, बस ये इसके जवान के ऊपर में यही आ गया कि हमारी दुकान, पापा हमारी दुकान फूंक दी, फूंक दी। मगर चल भाग जा घर चल। तो ये सीधा वहाँ से घर आ गया, अकेला ही घर आ गया। घर आ करके देखा तो ये तो सारा घर भी फूंका पड़ा है, फिर कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी दुकान पर जाए, सारे को ऐसे पागल सा हुआ फिर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा, कुछ नहीं बोला इसने कुछ भी। बस खाली पापा ये गिलास उठा लूँ, प्लास्टिक गिलास इकट्ठे करने का कुछ ऐसा शौक है इसको, मिट्टी विट्टी खोदने का बैठा रहता है, मतलब किसी को टेंशन नहीं देता ये, तो ऐसे बैठा रहता है। तो वहाँ बैठा, बस गिलास तो इसने इकट्ठा किया है, मतलब ये रखा है ये सारा जो चम्मच इसके अंदर रखी है, खाली ये चम्मच तो इसने इकट्ठी वहाँ इकट्ठी की है। मैंने कहा मगर चल इसको इकट्ठी करके घर ले जाके वहाँ खेल लेना, बस इसका एक ही था कि हमारे मकान और दुकान फूंक दिए, पापा यहाँ पर चोर है, बस यही इसने ये बोलता रहा, अभी ये बोलता है, दोनों ये बोलते हैं। अब इनको हमने क्या सिखाया, थोड़ा ही है, लेकिन ये शिक्षा बच्चों को अच्छा नहीं। हमारी तो जैसी कुछ हो गई अब तो, लेकिन हाँ भविष्य जो है आगे का तो बच्चों का है। चलते हैं।
एक तो ये वाला प्लॉट लिया है, ये वाला। अच्छा ये? एक ये वाला लिया जिसमें रास्ता साफ है। सबके दिलों को में इतना द्वेष पैदा हो गया, ऐसे जहन गंदे हो गए। अगर दो बंदों की अगर लड़ाई होती है और एक लड़का हिंदू का है और एक मुस्लिम का है, बस कटामरी पे वही बात आ जाए कि तू हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, या मैं मुसलमान हूँ तू हिंदू। तो ये पहले भी हुई ऐसी लड़ाई? ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई दंगों से पहले। अगर किसी एक हिंदू की मान लिया परविंदर यामिन की लड़ाई होगी, यामिन परविंदर की रहती वो लड़ाई, लेकिन आज क्या हो रहा है, यामिन परविंदर की ऐसी लड़ाई होगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी। अच्छा आदमी का दिल ऐसा हो रहा, गलत बात को तो यूं कैच करे, सही बात को आप उसको ठोक के जाओ, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। सपा का आप इसमें क्या गैर जिम्मेदारी थी या मिली भगत थी भाजपा के साथ, ये क्या था? टोटल जब बात सारी बातों को विश्लेषण करके देखा जावे तो हमें तो यही हो गया कि इसमें सपा का योगदान रहा। यदि सपा चाहती तो झगड़े हुए नहीं थे, एक मिनट में कंट्रोल कर लेती। मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ इन झगड़ों से पहले एक गांव पड़ता है इधर बुढ़ाने से है करके कोई गांव, वहाँ एक जाट के लड़के ने एक मुस्लिम लड़की छेड़ ली। दोनों गांवों में इतना तनाजा बढ़ा, वही हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा स्टार्ट हो गया। 24 घंटे भी नहीं लगे पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, पूरा गाँव सील कर दिए, और जो उपद्रवी थे पकड़ कर यहाँ तक कि ग्राम प्रधान को भी ठूंस दिया जेल में। अब जब ये उपद्रव होने को स्टार्ट था, हर आदमी चेता रहा, हर पूरे प्रशासन को पता, शासन प्रशासन को सबको पता था कि क्या होने जा रहा, क्या होने लग रहा, तो अंकुश नहीं लगा सकती थी सपा सरकार अंकुश लगा सकती थी यदि चाहती, लेकिन वो चाहे नहीं। वो तो चाहती कुछ बड़ा हो लाइट में हम आवे। यदि वे बड़ी बड़ी घोषणाएं मुस्लिमों के लिए स्टेज पे मंच पे बैठ के कर रहे, क्या पर्पज है उनका? हिंदू भी तो इसी देश में होंगे, क्या उसे हिंदू का वोट नहीं चाहिए, या मुसलमान के वोट से चाहिए उसको? सपा का पूरा योगदान है इसमें, अगर सपा का योगदान ना होता तो झगड़े ही नहीं होते। मुसलमान क्या सोच, वोट कहाँ देने की सोच रहे हैं सपा से? तो मुस्लिम जो है वोट देने के लिए तो किसी को अभी मन बना ही नहीं रहा किसको दे, समझ ही नहीं आ रहा किसको वोट दे। उनको दिखाई दे रहा हमारा हमदर्द तो कोई भी नहीं है, XYZ इस राजनीति में कोई आ जावे हमें तो इस्तेमाल करे। बल्कि मुसलमान ने ये कहना चालू कर दिया कि हमें आलू समझ लिया, आलू मतलब किसी भी सब्जी में डाल लो वही स्वाद देगा, हम तो मिक्सिंग है। चारों ओर सर्किल था, उस सर्किल में बहन जी को इन दंगे के जो शिविर लगे हुए थे उनमें बीच में आने से रोका, तो बहुत बड़ी खबर। अगर बहन जी तभी कोई स्टेटमेंट देती और इनके बीच में आती, शायद आज हमारी स्थिति वो नहीं, ये बहुत बड़ी खबर। इतना सम्मान दिया बहन जी का सर्कल कौन? सतीश चंद्र मिश्र, रामवीर उपाध्याय, रामाचंद्र राजभर,
सारे पंडित ही हैं। रामाबाई स्टेडियम में गए तो एक विशाल जनसभा थी, लेकिन मुझे हैरत इस बात को हुई थी, पहली बार बसपा के मंच पर संघ की ध्वनि सुनाई दी। संघ की ध्वनि, जबकि इससे तो मनुवादी से तो हमारा कटाक्ष था। बाम से और मान्यवर कांतिराम साहब ने इन्हें तो जोड़ने की कोशिश ही नहीं की थी। आप जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मगर मियां मुलायम की सरकार भी उसी क्षण डडा डडा फूस हो जाए। हिंदुस्तान में बहुत फसादात। आज भी 4 लाख लोग आसाम में बेघर हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकारों ने आज तक 1-2 लाख रुपए से ऊपर किसी को दिया नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहां 12-12 लाख रुपया मरने वालों के घर वालों को मुआवजा दिया है। इस बात से यह जाहिर है कि सरकार की नीयत खराब नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कोताही हो गई होगी। देश की जनसंख्या पर नियंत्रण करना आपका सबसे पहला काम है, वरना 10 साल बाद हमारी वोट कोई मांगने के लिए नहीं आएगा और हर पार्टी से वही लड़ेंगे। मुलायम सिंह या बीजेपी दोनों जीत जाते हैं तभी तो हमारी नाक आधी कटी है, इसके बाद पूरी कटेगी, फिर आप इस लायक नहीं रहेंगे, आप यहाँ चेहरा उठा करके, सर उठा करके और नाक रख करके आप चल सकेंगे। ये हमारी दोनों सीटें कैराने की और मुजफ्फरनगर की, दोनों उन दोनों में किसी एक के पास चली गई तो वो कहेगा कि देखो हमने ये किया उसके बावजूद हम जीत के आए, और ये कहेंगे हमारी सरकार में कत्ल गारत गरी हुई, कोई परवाह नहीं है, मुजफ्फरनगर के बाद कहीं और कर लेना, लोग हम ही वोट देंगे। करने वाले यही है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, इतनी कोशिश करी कि भाई इनके वोट बने, हमने 15,000 के आसपास फार्म भरे थे और उनमें 1385 वोट कुल बने। आपका हिंदुस्तान में रह रहे इसीलिए वो कोशिश करे थी कि भाई इन्हें कम से कम ये तो जन का विचार होगा कि हिंदुस्तान के ही है, कल को उन्होंने बता दें बांग्लादेश के पाकिस्तान के कभी कोई आतंकवादी बना के ना, इसलिए सारी लड़ाई लड़ी थी भाई आयोग से, करी थी कोशिश मगर वोट बन जाए, अब देख लो वोट भी कितनों के आए। ये एक हथियार था इनके पास, एक हथियार वोट का था, वो भी छीन लिया गया इन लोगों से, घर भी छीन लिए इनके बर्बाद, वैसे भी एक वोट तीन के पास हथियार इन्हें दिखाने के लिए, हमारे पास एक हथियार और रह रहा, लेकिन वो भी गया। क्या मांग कर रहे हैं आप इस बार चुनाव में? हम तो कुछ नहीं कर रहे, मांग नहीं मांग कर रहे, हम तो नहीं कहेंगे, दो होंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, है बस, सूत्रीदार वोट पर दो, लड़ाई झगड़ा ना हो, बस यही सारी चीज यही है बोबो, है और नहीं क्यों भाई? सही है, सही है, यह बात है कि नहीं सही? बहुत बढ़िया बात है जो आपकी, सब भाई भाई हैं, तो मैं मर गई
कोई कहने लगा मुसलमान मर गए जी हम मर गए और वे मर गए जी हम मर गए रल मिल कर खून मांस सब का एक सार है ठीक है ताई जी सभी हो जाएगा फिर लड़ाई बंद हो जाओ सब हो जाएगा सब हो जाएगा बेटी इसमें क्या कोई उसकी बात है ठीक नहीं बंदे रहेंगे सब कुछ है और बंदे नहीं रहे कुछ नहीं होने का बोला यह बात नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा कोई माई का लाल अयोध्या में राम मंदिर बनने से अब रोक नहीं सकता मैं मुलायम सिंह को भी चेतावनी देना चाहता हूं मैं मुसलमानों को चेतावनी दे रहा हूं कि गुजरात शायद आप भूल गए होंगे पर मुजफ्फरनगर आप नहीं भूले होंगे हम यही लोगों को सचेत कर रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तो बच्चों को मोबाइल दें अन्यथा मोबाइल ना दें और मोबाइल देते हैं तो उसको रोज चेक भी करें हमारे यहाँ शादी होने के बाद एक व्यवस्था बनी हुई है हमेशा हमेशा लड़की अपने पीहर से जुड़ी रहती है लेन देन परिवार से चलता रहता है उसमें अननेसरी कानून बनाकर संपत्ति में जोड़ना ये और आपस में घृणा पैदा कराना एक तो आरक्षण ख़त्म होना चाहिए नंबर एक बार यह आरक्षण बहुत गंदी चीज़ है यह हमारे देश की जड़ को और खोखला कर रही आरक्षण आंदोलन की अगर बात करें बामसेफ का जो आंदोलन था किन मुद्दों पर मोहम्मदन और दलित साथ आते हैं गरीबी की सहायता करती है हाँ इस समाज में गरीबी गरीब की सहायता कर सकता है जिस दिन ये लोग इस बात को समझ जाएंगे कि हम एक दूसरे के पूरक हैं जिस दिन ये बात समझ लेंगे चाहे सामाजिक आंदोलन की बात करें चाहे राजनीतिक आंदोलन की बात करें सामाजिकता की बात ये है कि अगर हिंदू धर्म की बात करी जाए तो हिंदू धर्म में बहुत धर्म है छुआछूत है जातिवाद है मुस्लिमों के अंदर एक बहुत बड़ी बात है छुआछूत नहीं है जातिवाद तो है छुआछूत मुझे क्या लग रहा है चुनाव के बाद कैसा लग रहा है परिणाम के बाद मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा मुझे कल ऐसा सोचा था फिर नहीं अगर हम ये सुनामी थी वास्तव में सुनामी थी जैसे कि मीडिया वाले कह रहे थे कि मोदी की सुनामी आ रही है लहर नहीं सुनामी है वास्तव में मानता हूँ कि ये सुनामी थी लेकिन इस सुनामी में जो इस प्रवाह में बहगे वे लोग कमजोर थे तो बह गए हम लोग अपने मन से मजबूत हैं इसलिए अड़े हुए हैं और हमेशा अड़े रहे If it was a tsunami, then the destruction accompanying it
was perhaps only to be expected. After the Lok Sabha election results, according to an extensive report in the Indian Express, in August 2014, over 600 riots have happened in Uttar Pradesh, the most notable one at Saharanpur. Regular incidents of violence and counter-violence continue to occur in western Uttar Pradesh. Muzaffarnagar and Shamli districts are now engulfed in a cycle of violence that will probably take decades to quell. But in the midst of such hate-mongering, there are still those who continue to strive for a just and egalitarian society. भगत सिंह चाहते थे पूरे देश में समानता हो, पूरे देश में भाईचारा हो। भगत सिंह ऐसा देश चाहते थे जहां जाति बिरादरी के झगड़े ना हो। भगत सिंह एक ऐसा देश चाहते थे जहां आदमी का ऊपर शोषण। Their numbers too continue to grow, as they light the flame of a society that visionaries like Bhimrao Ambedkar, Ashfaq Ullah Khan, and Bhagat Singh had once dreamt of. हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े ओ हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर हल अब भी चलता है चीखती धरती पर ये काम हमारा नहीं बनता सवाल नाचता है सवाल के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ कतले हुए जज्बात की कसम खाकर बुझी हुई नजरों की कसम खाकर Love.